अच्छा जी, सुनना, ये एक प्रोडक्ट है जिसको ना हम लोगों ने थोड़ा एडवांस में देखना है जाके कि हाँ भाई, अगर इस प्रोडक्ट को हमें करना है तो क्यों करना है। अगर ये वाला डिज़ाइन बेचना है तो भाई क्यों बेचना है, अगर ये वाला डिज़ाइन बेचना है तो भाई क्यों बेचना है, इसकी इसकी बेसिक चीज़ें चाहिए। हाँ, आपको लाजमी बताना है हमें। अच्छा, हाँ जी, ये क्लाइंट की प्रोडक्ट है। अब इसमें देखेंगे ना, हम जब डिटेल में जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि हाँ वाकई हमें कुछ बचता है या नहीं बचता, अगर हमें आगे जाके। आपने, अच्छी बात है। अच्छा, हम बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स हैं, हम उसको भी देख लेंगे। अच्छा, इसको ना थोड़ा हीलियम 10 की बेसिस के ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। अभी जोसेफ जोसेफ का नाम का ब्रांड नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये जिस तरह से ऑक्सो आप लोगों को नज़र आता है ना, समझ आ रही है ना? साथ साथ हाँ जी हाँ जी करते रहना ताकि मुझे पता चले कि जाग रहे हो आप लोग, और थके जहाँ पे थकने लगें एक दो क्वेश्चंस मुझे मुझसे पूछ लेना जो आप लोगों ने लिख के रखे होंगे, ताकि उसको कैटर करें और उसके बाद आगे चलें हम लोग, ठीक है ना? ये जोसेफ जोसेफ के नाम का आपको ब्रांड नज़र आ रहा है, ये उसी तरह का ब्रांड है जिस तरह से आपने किसी ज़माने में ऑक्सो का ब्रांड देखा होगा और अभी भी चलता है। जोसेफ जोसेफ और ऑक्सो के ब्रांड की जो स्ट्रेटेजीज़ हैं ना अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने की, बिल्कुल 180 डिग्री की हैं। जोसेफ जोसेफ वाले किसी और तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करने की कोशिश करते हैं, और जो दूसरे हैं ऑक्सो वाले हैं उनका तरीकाकार कुछ और है। इसी तरह से हीटा वाला ब्रांड आपको नज़र आएगा। जेनेरिक ब्रांड कौन सा होता है, इसकी मैंने सारी पीछे आपको कहानी बताई थी और इसका क्या सिचुएशन होती है। अच्छा, बातें नहीं करनी है, आपने सिर्फ बात सुननी है मेरी, ठीक है? आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, समझ आ रही है? समझ आई है मेरी बात? हाँ, तो आपने इधर बात सुननी है और बाकी बातों की तरफ कम ध्यान देना है। अगर कुछ भी यहाँ से रह गया तो मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकता हूँ, आपको सारी ज़िंदगी स्टॉक शीट इस तरह से कोई नहीं समझा सकेगा जिस तरह से आज होने वाली है, ठीक है ना? तो अगर हो सकता है तो अलग-अलग कहीं जाके बैठ जाएं और उसको जो है ना पूरा ध्यान से समझ लें, जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं उसको लिख लें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ उसको लिख लें, ताकि आपको बाद में ये फ़ायदा दें। और ये सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ये सेशन तब मिलेगा अगर सेशन के दरमियान मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उसको बताया, उसका आंसर देने के काबिल हो गए तो। अच्छा, ये आ गया। फिर जेनेरिक ब्रांड क्या होता है, इसकी पूरी की पूरी कहानी मैंने आप लोगों को पीछे बताई थी कि ये क्या होता है। फिर उसके बाद ऑक्सो, हीटा, जेनेरिक, और ये जो जोसेफ जोसेफ के नाम के ब्रांड हैं, ये इसी तरह के ब्रांड हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। जेनेरिक ब्रांड की लिस्टिंग्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो किस तरह की होती है या उसके पीछे क्या कहानी होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये ना, ये प्रोडक्ट जो है ये आपकी प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी माइक्रो पीएल की प्रोडक्ट है, जिसको हम बोलते हैं SNL प्रोडक्ट, स्मॉल एंड लाइट वेट प्रोडक्ट, ठीक हो गया? उसमें अमेज़ॉन ने ना कुछ एल्गोरिदम्स दिए हुए हैं, अमेज़ॉन ने कुछ स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं कि भाई ये वाली प्रोडक्ट आपकी क्या होगी, SNL वाली प्रोडक्ट होगी, और इतनी प्राइस वाली प्रोडक्ट उसकी SNL वाली प्रोडक्ट होगी, एक ये होता है। अब दूसरा, माइक्रो प्राइवेट लेबल के अंदर दूसरी जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं BBL, जिसको हम बोलते हैं ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च, ठीक है? जिसमें हम एक छोटे लेवल के ऊपर अच्छी सी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं विद अ गुड बजट, जिसका 12,000 से 15,000 का बजट होता है, हम उसको BBL में लॉन्च कर देते हैं। लेकिन स्मॉल एंड लाइट वेट वाली प्रोडक्ट वो होती है जो आप $200 में भी कर सकते हो, $500 में भी कर सकते हो, $1,000 में भी वो वाली प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। उसकी प्राइस 2.95 हो सकती है, 2.99 हो सकती है, 3.99 हो सकती है, 4.99 हो सकती है, अनटिल 9.99 तक की जो प्राइस होगी वो आपकी SNL वाली प्रोडक्ट होगी, ठीक हो गया? वो जो होता है ना, वो फिर जब आप अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में जाते हो और जब लिस्टिंग करने लगते हो ना, तो वहाँ पर आप अमेज़ॉन को बताते हो कि भाई मेरा ये जो प्रोडक्ट होगा वो SNL में आपने करना है, ना कि आपने प्राइवेट लेबल में करना है, ये स्टैंडर्ड लार्ज स्टैंडर्ड साइज में करना है। तो वहाँ पर आप जाके उसको डिफाइन करते हो, वो उसको बताते हो, तो फिर वो आपका SNL में प्रोग्राम कर देता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये भी चीज़ सुनने वाली है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई आपने जब ये प्रोडक्ट SNL प्रोग्राम में इनरोल करवा ली, तो ये जो प्रोडक्ट होगी वो आपकी 9.99 पे अगर सेल हो रही है ना, तो उसके हिसाब से आपको FBA फीस लगेगी। आपको बड़ी प्रोडक्ट जो होती है ना, जो $25, $20, $23 वाली होती है, उस हिसाब से प्राइस नहीं लगेगी। अब आपको
2.99 वाली प्रोडक्ट लगाई है आपने और उसको SNL प्रोग्राम में आपने करवाया है इनरोल अमेज़ॉन के ऊपर, तो उसके ऊपर जो आपकी प्राइस, जो आपको FPA फीस लग रही होगी, वो 2.99 में आपको 1.5 की फीस लग रही होगी। ठीक हो गया, आपको 1.5 में सॉरी $1 की फीस लग रही होगी और आपको 0.5 या $1 का उसका क्या पड़ रहा होगा, 0.7 सेंट की पड़ती है या वो 0.9 की प्रोडक्ट पड़ती है वो हमें, या इससे भी कम पड़ती है वो प्रोडक्ट। अच्छा, ये बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बता रहा था कि भाई जब आप SNL प्रोग्राम में उसको इनरोल करवा लेते हैं ना, तो फिर जब आपको अमेज़ॉन की फ़ीस लगती है, लेट सपोज़ आपकी 2.99 की प्रोडक्ट है, अब आपके हिसाब से जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स आप देखते हैं उसमें आपको कितना बचता होगा। अब हमने ऐसी ऐसी प्रोडक्ट भी लॉन्च की है, 2.99 वाली की है, 3.99 वाली प्रोडक्ट भी की है, 4.99 वाली भी की है, 5.99 वाली की है, 7.98 वाली भी की है, फिर 8.45 वाली भी की है, 8.5 वाली भी की है, 10.99 वाली भी प्रोडक्ट की है, उसमें हमने अच्छे खासे मार्जिन बचाए हैं। ठीक है, अब इसका तरीका ये होता है कि भाई आपको क्यों कहते हैं, आपके दिमाग में ये जितने भी कोर्स सेलर्स हैं उन्होंने क्यों डाला है आपके माइंड में कि $12 से कम वाली प्रोडक्ट आपने बेचनी नहीं है, इवन के जो कम प्राइस वाली प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें सेल्स भी ज़्यादा आती हैं, उसमें आपको सेल्स की बेसिस के ऊपर मार्जिन्स भी ज़्यादा बच रहे होते हैं और उन प्रोडक्ट्स को रैंक करवाना भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये भी होगा कि फिर हर छोटी प्रोडक्ट जो है ना उसको आप रैंक, हर छोटी प्रोडक्ट को आप ये नहीं कहेंगे कि भाई वो अच्छी सेल होगी, उसके ऊपर सेल्स अच्छी आएंगी, भाई हमने फिर हमारे क्राइटेरिया वही होंगे, हमने उसको इसमें लाजमी देखना है कि भाई मेरा क्राइटेरिया उसमें यहाँ पर कंपटीशन वाला पूरा हो रहा हो, यहाँ पर ये ना हो कि 1 लाख सेलर बैठा हो और मैं उस प्रोडक्ट में जाने की कोशिश करूँ चाहे वो 2.99 की मिनिमम सेल हो रही है, मिनिमम जो उस प्रोडक्ट की सेल है वो 2.99 आ रही है, तो अगर मैं उस प्रोडक्ट के अंदर SNL करने की कोशिश करूँगा तो मैं कभी भी उस प्रोडक्ट में लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकूंगा। वर्ड होता है लॉन्ग टर्म। जब मैंने पहले दिन आप लोगों को स्टॉक शीट बनानी सिखाई थी, मैंने यही कहा था कि भाई लॉन्ग टर्म डाटा इज ऑलवेज प्रेफर्ड ऑन, लॉन्ग टर्म डाटा इज ऑलवेज प्रेफर्ड ऑन शॉर्ट टर्म डाटा। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी देखना है कि भाई अगर मैंने कोई प्रोडक्ट किया ना, तो कम अज़ कम टिक के मैं उसमें उस प्रोडक्ट को अपना एसेट बना लूँ, उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट की उस लिस्टिंग को मैं अपना एसेट बना लूँ। जब आप ये करेंगे ना, तो फिर आपका माइंडसेट ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आएगा, आपने अपने की अपने आप का भी ब्रांड बिल्ड करना है और अपनी लिस्टिंग को भी एज एसेट आप लोगों ने बनाना है, तो वो जो सिचुएशन होती है ना वो तब शुरू होती होती है, ये जब ऐसे नहीं शुरू कर देते। अब आते हैं असल बात की तरफ कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट हमारी वाकई SNL वाली है या नहीं है। इस प्रोडक्ट को हम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं और फिर इसमें एनालाइज करते हैं, $7 की है, फिर $9 किया है, 7.99, 4 किया आगे, 6, 8। अब इसमें मैंने आपको इस सेल्स रैंक की बेसिस के ऊपर भी, अगर आपके पास Helium 10 का टूल नहीं है तो इस सेल्स रैंक की बेसिस के ऊपर भी आप इसकी सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि पर मंथ की सेल इसकी कैसी आ रही है। वो मैंने आप लोगों को सेपरेट पहले लेक्चर में, जब पहला लेक्चर हमारा हुआ था, तो मैंने अमेज़ॉन सेल्स एस्टिमेटर के ऊपर आप लोगों को इसका सेपरेट सेल्स भी कैलकुलेट करना दिखाई थी, जो कि पर मंथ की सेल्स आप लोगों को बताता है। अच्छा, एक तो तरीका होता है ये सेल्स कैलकुलेट करने का, दूसरा आप रिव्यू बेसिस के ऊपर भी इसकी सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर इसकी टोटल रिव्यूज़ जो हैं वो क्या हैं, 1495 हैं, और फिर इसकी देखनी है मैंने पब्लिकेशन डेट कि ये जो लिस्टिंग है ये किस डेट को लगी हुई है, इसी बेसिस के ऊपर। अब ये अगर आप पब्लिकेशन डेट नहीं भी बोलते ना, आपको नहीं भी पता कि पब्लिकेशन डेट कैसी है, मैं इस रिव्यूज़ की बेसिस के ऊपर भी आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि भाई इसकी पर मंथ की सेल्स कितनी है। इन रिव्यूज़ की बेसिस के ऊपर मैं आप लोगों को पर मंथ सेल्स और पर मंथ रेवेन्यू कैलकुलेट करके बता दूंगा, जो कि एस्टिमेटेड होगा, ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो नहीं होगा, ना Helium 10 हमें एग्जैक्ट बताता है, ना हम खुद कभी भी एग्जैक्ट उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये पर मंथ के हिसाब से या ओवरऑल जब से ये लिस्टिंग हुई है तो कितना रेवेन्यू पर मंथ के हिसाब से जनरेट कर रहा है। ठीक हो गया, आगे आप आते हैं इन्हीं बेसिस के ऊपर। अब आप, आपको मैंने एक चीज़ कहा था कि आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 10 सेलर्स के बाद आपने इसका सेल्स रैंक देखना शुरू कर देना है कि क्या उसके अंदर अचानक पीक आती है या अचानक गिर जाता है वो सेल्स रैंक, या अचानक उसका सेल्स रैंक में एक बूम आता है, मतलब 2000-3000 चल रहा था फिर एकदम से 20,000 पे चला गया उसका सेल्स रैंक टॉप 10 के बाद, उसका क्या रीज़न होती है वो भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि उसका ये हो सकता है कि भाई जो लोग हैं वो प्रोडक्ट परचेज़ ही टॉप 10 सेलर से कर रहे हैं, इसकी ये इमेजिनेशन आपके माइंड में आती है कि हाँ भाई वाकई ही
कोई जो सेलर्स की इंटेंशन, सॉरी जो बायर की इंटेंशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 सेलर से प्रोडक्ट को बाय करना है, उससे नीचे वो प्रोडक्ट बाय करते ही नहीं। ठीक हो गया, एक चीज़ हो गई है। अब अगली चीज़ आते हैं हमारे, जब वो उस प्रोडक्ट को हमने देख लिया कि वो टॉप 10 में जो है ना लोग रेवेन्यू कमा रहे हैं, सेल्स रैंक की बेसिस के ऊपर हमें पता चल गया, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए शुरू से ही नो गो सिनेरियो होगी। क्यों? क्योंकि भाई हमारी इंटेंशन पहले दिन से टॉप 10 पोजीशन में आने की नहीं होती, हमारी इंटेंशन पहले दिन से पहले पेज के बॉटम के अंदर आके बैठने की होती है। वहाँ पर हमने बैठना है और हमने वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है कि जिसके बॉटम तक रिजल्ट्स आ रहे हों, जिसके बॉटम तक सेल्स आ रही हों। तो फिर जब हम उसकी हिस्ट्री को, अब ये टेक्निकल पॉइंट है, ये जो आप लोगों ने सुनना है अभी, मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, अब आपने ना जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसमें कभी भी रैश पीपीसी या जो है ऑफेंसिव पीपीसी या डिफेंसिव पीपीसी भी जिसको बोलते हैं, चला के पहले पेज की पहली पोजीशन तक आने की कभी भी कोशिश नहीं करनी। आपने उसका लॉन्ग टर्म कीवर्ड पकड़ना है और उसके ऊपर लोएस्ट बिड रख के उसके ऊपर पीपीसी चला देनी है। लॉन्ग टर्म कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, जो कि जिसको मैं पोटेंशियल या गैप कीवर्ड कहता हूँ, या जिसको मैं गोल्डन कीवर्ड कहता होता हूँ, अपने उस्तादों की ज़ुबान से मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी यही कहते होते थे कि गोल्डन कीवर्ड कहते हैं ऐसे कीवर्ड को जो कि मेन कीवर्ड है लेकिन उसको कंपेटिटर मिस कर रहा है। तो मैं उस गोल्डन कीवर्ड को पकड़ूंगा जिसका चंक, जिसका जूस ऑफ सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, जिसका सारा कुछ अच्छा है, मैं उसको पकड़ूंगा और उसके ऊपर लोएस्ट बिड रख के पीपीसी चला दूंगा। तो मैं पहले पेज के बॉटम में आके बैठ जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं किस पीपीसी की बिड के ऊपर अगर रखूंगा, वो अपनी बिड चलाऊंगा, तो मैं बॉटम में आके बैठ जाऊंगा। ये चीज़, इससे ये अंदाज़ा होगा कि भाई टॉप 10 के, सॉरी फर्स्ट पेज के अंदर कितने सेलर्स स्पॉन्सर्ड होते हैं, 12 सेलर्स स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो आपको ना उसी हिसाब से देखना है, वहाँ पर बिड आ रही होती है, सजेस्टेड बिड आ रही होती है, जो लोएस्ट वाली बिड होती है उस कीवर्ड के ऊपर आपने एक दफ़ा हाईएस्ट बिड रख देनी है और एक दफ़ा लोएस्ट बिड रख देनी है, और फिर उस दोनों का अंदाज़ा करना है कि भाई अगर मैं हाईएस्ट बिड रखता हूँ तो मुझे कितनी सेल्स आती हैं, और मैं लोएस्ट बिड रखता हूँ तो उसके ऊपर मुझे कितनी सेल्स आती हैं। ठीक हो गया, अगर लोएस्ट बिड रखने पे भी आपको सेल्स आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोएस्ट बिड जो है ना, आप वो उसको चूज़ करें और उसके ऊपर उस अपनी पीपीसी चलानी शुरू कर दें। फिर 5, 6 दिन, 7 दिन पीपीसी चलाएं, और जो आपकी आटो सॉरी जो मैनुअल कैंपेन की एग्जैक्ट कीवर्ड की है ना। अच्छा, अब यहाँ मैं पीपीसी की बातें छेड़ूंगा तो वो सर के ऊपर से बातें निकल जाएंगी। अच्छा, मैं इसीलिए कह रहा था, वो मैं आप लोगों को उसी के साथ कनेक्ट रखता हूँ, वो बातें बात की बाद में करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है ना, आपने फर्स्ट पेज के बॉटम में आके बैठ जाना है। अब बिड कैसे लगाते हैं, उस बिड के थ्रू हमने बॉटम के ऊपर कैसे आगे बैठना है, उसका मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि आपने लोएस्ट बिड और हाईएस्ट बिड रख के उसका देख लेना है कि किसके ऊपर आपको सेल्स आती हैं, और फिर उस बिड को आपने चूज़ करना है जिसके ऊपर आपके आपको लगता है। और आपको ना जब एक दफ़ा बिड लगा देते हैं तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि आप उसके बॉटम में आके बैठ जाएंगे। ठीक हो गया, अब ये देखें 2 लाख कितने पे आ गया है, 289,433 पे आ गया इसका BSR। फिर 33,000, 39,000, 9,000, फिर आते हैं 14,000, 1,000, 21,000, 1,000, 6,000, ठीक है, 17,000, 3,000, 5,000, 25,000, 15,000। ठीक है, अब मैंने ना ऊपर से लेके नीचे तक देखा है, मुझे जो है ना वो नज़र आ गया कि भाई ये जो इस तरह वाला है ना, इस तरह वाला, इसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसका BSR कम है, ऊपर भी कम है, और जब नीचे भी मैं जाता हूँ उसका BSR कम नज़र आता है मुझे। ये देखिएगा, 2,000 है इसका, 1,000 है इसका, 2,000 है इसका, 679 है। ये देखें जो स्टैंडिंग वाला है ना, जो खड़ा हुआ है किचन रोल होल्डर, वो उसको लोग नहीं कर रहे भाई उसका, क्योंकि ये देखें आपके सामने है उसका ट्रेंड। ये जो इस तरह से चिपक जाता है ना, अडहेसिव, इसको बोलते हैं अडहेसिव किचन रोल होल्डर, और इसका मेन कीवर्ड जो है वो किचन रोल होल्डर नहीं है, वो पेपर रोल होल्डर है। अच्छा, ये जब हम इसके मेन कीवर्ड्स निकालेंगे तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये होगी आपके सामने, ये आ गया 1,000 पे, आ गया 2,000 पे, 679 पे आ गया, ये फिर ऊपर चला गया, स्ट्रेंडिंग वाला आ गया। मैं इसमें आ जाता हूँ, 5,000, 4,000, 13,000 आ गया, ये अभी एडहेसिव वाला है। ठीक हो गया, इसका BSR नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये या तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, या किसी वजह से ये नया सेलर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 20,000 की सेल्स हैं और इसको तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हुए बैठे हुए। अगर इसकी इसकी बेसिस के ऊपर कहें ना, तो ये इसको 4-4.5 साल हो गए होंगे इसके, इस जो है वो क्या
क्या कहते हैं रिव्यू काउंट की बेसिस के ऊपर अगर इसको कहें, ठीक हो गया। फिर 41,000 रुपये आ गया है। इसी तरह हम मज़ीद नीचे चले जाते हैं, ठीक है, 1,000 के ऊपर आ गया, 2,000, इसका भी ऐसा अनडिफाइंड है, 41,000, 13,000। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो एडहेसिव वाले हैं ना उसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसका BSR भी कम है और उसकी वजह से उसकी सेल्स भी ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया। अब मैं यहाँ से जो डाटा निकालूंगा वो मैंने, हाँ जी, BSL 12 क्या करना है, इसका मैंने आपको बताया कि या तो ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक होता है या ये जो होता है ये बंदा मोस्टली क्या होगा, आउट ऑफ स्टॉक होगा, जिसकी वजह से ये होगा, या इसकी लिस्टिंग डिसेबल कर दी होगी अमेज़ॉन ने किसी वजह से, ड्यू टू रीजंस, इसकी कई रीजंस हो सकती हैं कि इसका रेटिंग कम आ रही थी उस वजह से अमेज़ॉन ने इसको क्या किया है, इसकी लिस्टिंग को डिसेबल कर दिया है, या कोई और रीज़न, कोई ना कोई रीज़न ऐसी होगी जिसकी वजह से उसकी लिस्टिंग को अमेज़ॉन ने डिसेबल कर दिया, और उसकी लिस्टिंग को डिसेबल करने के बाद उसका BSR भी और बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ से क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, ठीक हो गया। ये आ गया आपके सामने, ये आ गया इसका 31,000 का क्या है, सर्च वॉल्यूम है, यहाँ पर 280,000 पाउंड का जनरेट कर रहा है, 6,000 पाउंड का इसका एवरेज BSR, 10 की प्राइस है, तो 26,000 का इसका BSR है, और ये इसके सामने इसकी वो सारी की सारी डिटेल्स आ गई आपके सामने। यहाँ से आपने इसको फिल्टर कर लेना है, प्रोडक्ट हंटिंग में एवरेज रिव्यूज़ को हम देखते हैं, बहुत कम देखते हैं लेकिन देखते लाजमी हैं। अब ना इसके अलावा आपने इस पे भी देखना है, ये जो आपके सामने आ रहा होता है ना, जिस प्रोडक्ट में ये वाला जो है ये चीज़ इस तरह से येलो कलर की आ रही होती है और इस तरह से ये आ रहा होता है 5 का रिव्यूज़ का, तो ये इसमें ना जब आप प्रोडक्ट को देखने से पहले ही पता चल जाता है आपको, प्रोडक्ट को देखने से पहले ही पता चल जाता है कि हाँ भाई मुझे इस प्रोडक्ट में जाना है या नहीं जाना। अगर ये पूरा ग्रीन आ रहा है और यहाँ पर कोई भी रेड लाइन या इस तरह की लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें रिव्यूज़ या तो हाई हैं, ये सारे के सारे सेलर्स हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर सस्टेन करना इज़ लुकिंग समथिंग डिफ़िकल्ट, मेरे लिए मुश्किल लग रहा है मुझे कि मैं इसमें सस्टेन करूँगा। अच्छा, अब इसमें जो है वो मैं कर लेता हूँ इसको सॉर्ट, और इसमें जो इस तरह वाले हैं जो मैंने देखे थे Top 10, उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको आठ नौ, हाँ जी, एवरेज रिव्यूज उसका क्या है, वो मैंने एक डेफिनेशन रखी हुई है उसकी कि भाई वो जितने एवरेज रिव्यूज़ आ रहे हैं ना, लेट्स सपोज आपने रखे हैं कि भाई 1,000 रिव्यूज़ होने चाहिए कम से कम, तो वो उसकी निश की एनालिसिस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि हमने इसमें कितने रिव्यूज़ एवरेज रखे हैं। तो ये जिस तरह से BSR हम किसी कैटेगरी का स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं ना कि इस कैटेगरी को हमने इतना BSR देना है, उसी तरह से इसके अंदर मामला होता है। हम किसी को भी फिक्स नहीं कह सकते अभी किसी भी प्रोडक्ट में हमने जो है वो 1,500 का रिव्यूज़ होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए, हम सारों के लिए ये फार्मूला नहीं लगा सकते कि 1,500 के रिव्यूज़ होंगे तो अच्छा है, जिस तरह से मैंने BSR में बताया था। तो इसको ये चीज़ ना, ये चीज़ डिफाइन नहीं की जा सकती इसमें, लेकिन रिव्यूज़ जितने भी हों कम होने चाहिए, ये चीज़ आपके माइंड में लाजमी हो। ओके, अब ये जो फर्स्ट पेज के ऊपर हमने जितनी डिस्कशंस की हैं ये आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, जहन में होनी चाहिए, सारी की सारी बातें। अब यहाँ से आपने इस कीवर्ड्स की बेसिस के ऊपर भी इस चीज़ को डिफाइन कर लेना, इसको खुद रिसर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। SNL जो होती है वो आपकी स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट होती है, उसका वेट भी अमेज़ॉन ने डिफाइन किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेट होता है उसका। क्या हुआ, समझ नहीं आया, ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च मतलब ब्रांड बिल्ड करने के लिए इनिशियल लॉन्च जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च। एक छोटी सी लॉन्च हमने कर दी है ब्रांड बिल्ड करने के लिए, तो
इस वजह से उसको हम बोल रहे होते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च है हमारी। ठीक है, होता वो भी ब्रांड है लेकिन वो लिस्टिंग्स छोटी होती हैं हमारी, उसमें भी ब्रांड बनता है। जो भी आपकी लिस्टिंग है वो आपका एसेट ही है, ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है। जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, चाहे वो अच्छी लगा रहे हैं चाहे वो बुरी लगा रहे हैं, वो आपकी प्रोडक्ट का, वो आपकी उस चीज़ का, वो आपका एसेट बनना है कल को जाके। तो इसीलिए जो है ना वो अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लगाई जाती है कि भाई वो हमारा कल को जाके उसने ब्रांड बनना है तो वो प्रोडक्ट हमारी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि कल को हमारा नाक कटवा दे, वो हमारी नाक कटवा दे, मार्केट में जाएं क्लाइंट भी कह रहा हो कि हाँ भाई ये कैसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, इसमें तो कुछ 6 महीने नहीं लगते अभी, इसमें बहुत टाइम लगता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि 6 महीने में ब्रांड बन जाएगा। अभी हमारे हमारे ना रिसेंटली एक माइंड में आई है, एक ब्रांड सेल हुआ है अमेरिकन फ्लिपर डॉट कॉम के ऊपर, उसका वो 7 साल की एज थी उस ब्रांड की। ठीक है, 7 साल की एज थी उस ब्रांड की, और उस ब्रांड के ऊपर जो पर मंथ का रेवेन्यू आ रहा था 1 करोड़ 22 लाख का रेवेन्यू आ रहा था उस ब्रांड के ऊपर। और वो उस ब्रांड को जब सेल किया गया है तो उसने एक ही टाइम में, इन अ करंट टाइम, उसने हमें कितना प्रॉफिट दिया है, 30-40 महीनों का प्रॉफिट दिया उसने। मतलब पर मंथ का उसका जो प्रॉफिट आ रहा था 1 करोड़ 22 लाख आ रहा था, जब हमने उस ब्रांड को फ्लिप किया है, जब उस ब्रांड की उन लिस्टिंग को हमने फ्लिप किया है, तो 40 करोड़ 45 लाख का वो हमारा ब्रांड बिका है। समझ आई है इस बात की? तो इतना ये ना इतने का वो हमारा ब्रांड बिका है। तो ये ना इसमें टाइम लगता है ब्रांड बिल्डिंग के अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि हम शुरू दिन से उसका ब्रांड जो है ना वो हमारा ब्रांड बन जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन हमारा तरीकाकार यही होता है कि भाई जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट हम करने वाले हैं, उसकी प्रोडक्ट के अंदर, हमारी उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, हमने उसको ब्रांड बनाने के लिए, उसको एसेट बनाने के लिए। मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे देता होता हूँ कि लेट सपोज भाई हमने एक एसेट बनाया, लेट सपोज हमने एक फिजिकल दुकान बनाई है, फिजिकल दुकान बनाई है, हमें 20 साल हो गए हैं हमारी वही दुकान है, हम वही दुकान के ऊपर अपनी मिठाइयाँ लाते हैं, उसको सेल करते हैं, वही मिठाई है, 10 साल से लोग वही मिठाई हमसे बाय कर रहे हैं, हम वही मिठाई बेच रहे हैं, हमने ना दुकान चेंज किया ना हमने अपनी मिठाइयाँ चेंज की। ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इसका कंपेरिजन करता हूँ एक और चीज़ से। आपने एक दुकान बनाई, उसके ऊपर 2 साल मेहनत की, जेन किधर है आपका? जेन किधर है आपका? मैं कह रहा हूं कि दो 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 कंपेरिजन्स मैंने आपको बताए हैं। एक चीज ये कि जिसमें आपने एक दुकान बनाई और उसके ऊपर 20 साल मेहनत की, और आप उसी दुकान के अंदर 20 साल से वही मिठाई बेच रहे हैं जो लोग आपसे बाय करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है या दूसरी चीज़ ज़्यादा बेहतर है कि जिसमें आप एक दुकान बनाते हैं, उसके ऊपर 2 साल मेहनत करते हैं, उसको फ्लिप कर देते हैं, फिर 2 साल बाद एक दुकान बनाते हैं, उसके ऊपर 2 साल लगाते हैं, उसको फ्लिप कर देते हैं, फिर 2 साल बाद एक दुकान बनाते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसको फ्लिप कर देते हैं, इन दोनों में से क्या चीज़ बेहतर है? हाँ, ये आपके मुताबिक पहले वाला बेहतर है। अब मैं इसको ना मनी मनी ट्रांसफर में कन्वर्ट करता हूँ, 20 साल की, हाँ बेहतर हो सकता है, नहीं दूसरे वाला ही बेहतर है, दूसरे वाला ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसमें देखें, आपने एक दुकान बनाई, उसके ऊपर 20 साल मेहनत की, जब आप उसको फ्लिप करेंगे एक छोटे लेवल के ऊपर, वो आपको कितना दे जाएगा, 20 लाख 25 लाख दे जाएगा, ये 40 लाख दे जाएगा, ये 60 लाख दे जाएगा, कितना दे जाएगा, 1 करोड़ दे जाएगा। लेकिन जब आपने 20 साल में 10 दुकानें बना के 2 साल बाद सेल की, तो वो उस एक दुकान ने आपको 2 साल बाद 1 करोड़ रुपया दे दिया। इतना देती है दुकान? हाँ ना, 2 साल में एक दुकान बनाई, 2 साल के बाद वो दुकान जो उसने 2 साल में बनाई थी उसको फ्लिप कर दिया, उसको सेल कर दिया। अब जब उसको वो पैसा आया 2 साल बाद, जो उसने 2 साल उस दुकान के ऊपर मेहनत की, उसको फ्लिप किया, उससे जो पैसा आया, उसका आधा पैसा उसने नई दुकान बनाने के ऊपर लगा दिया, पिछली वाली दुकान से उसको जो प्रॉफिट आया था वो
साथ साथ भी प्रॉफिट कमा रहा था, और उसने 2 साल बाद जब उसको फ्लिप किया, उस दुकान के एसेट्स को फ्लिप किया, उसके राइट्स दूसरे बंदे को ट्रांसफर किए, उससे भी उसको एक अमाउंट इकट्ठी मिल गई। दूसरा वाला बेहतर है, ऑब्वियसली दूसरे वाला बेहतर है। अब इसमें मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। हम क्या करते हैं, लेट सपोज हमने एक दुकान बनाई, उसके ऊपर हमने 2 साल मेहनत किया, 2 साल के बाद उस दुकान में से मुझे पर मंथ का 10,000 पाउंड या $10,000 का मुनाफा आ रहा था, सिर्फ प्रॉफिट, नेट मार्जिन जिसको हम बोलते हैं ना, एफबी रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर जाके हम देखते हैं, तो जहाँ पर नेट मार्जिन लिखा होता है ना, वो वाला नेट मार्जिन $10,000 पर मंथ के हिसाब से मुझे जनरेट हो रहा है। अब जब मैं 2 साल के बाद उसको फ्लिप करूंगा तो वो मुझे 40 से 32 से 35 महीनों का प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है? वो 32 से 35 महीनों का प्रॉफिट एक सेकंड में मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अब 1 महीने का प्रॉफिट मेरा कितना था, $10,000, मैं उसको 32 से मल्टीप्लाई करूंगा, 32 से मल्टीप्लाई किया तो उसने मुझे एक सेकंड के अंदर कितना प्रॉफिट दिया है, $3,20,000 मेरे अकाउंट के अंदर आए हैं एक सेकंड के अंदर, ठीक है? और उसके ऊपर मैंने कितने साल लगाए थे, मैंने 2 साल लगाए थे। अब लेट सपोज उस दुकान को बनाने में, $3,20,000 तक पहुंचाने में मेरा मैक्सिमम कितना लग गया, $70,000 लग गया, $80,000 लग गया, $1,00,000 लग गया, 120 लाख, $1,20,000 लग गया मेरा, या चलो मैक्सिमम कह देते हैं $1,50,000 लग गया मेरा, फिर भी मुझे $1,70,000 का रेवेन्यू आ रहा है ना। हाँ नहीं, रेट फिक्स भी नहीं होते और जो मर्जी पे भी नहीं होते, ये आपकी जो एसेट आपने बनाया होता है या जो लिस्टिंग आपने जनरेट की होती है उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर होता है, उसकी हेल्थ की बेसिस के ऊपर होता है, ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं। अमेरिकन फ्लिपर डॉट कॉम के ऊपर हम जाते हैं, उनको हम अपने एसेट्स की डिटेल्स देते हैं जो हमने क्रिएट किया होता है, लेकिन उसकी जो मेन मेन चीज़ें होती हैं ना वो हम हाइड कर देते हैं, जो राइट्स होते हैं वो हम हाइड कर देते हैं, जो चीज़ें जो लिस्टिंग्स होती हैं वो हम हाइड कर देते हैं, जो रेवेन्यू होता है वो हम उनको दिखा रहे होते हैं, जो सेल्स होती हैं वो हम उनको दिखा रहे होते हैं, जितनी प्राइस पे हम सेल कर रहे होते हैं, जितनी टोटल प्राइस के ऊपर हम सेल कर चुके हुए हैं, जितनी एवरेज प्राइस के ऊपर हम सेल कर रहे होते हैं वो सारा कुछ दिखाते हैं, अपनी लिस्टिंग की उनको आईपीआई परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपने अकाउंट के ऊपर जो हमारी रही होती है, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस तरह की मेन मेन चीज़ें उनको दिखाते हैं, जो मेन के अलावा बाकी चीज़ें होती हैं ना, जो हमारा मेन चीज़ें होती हैं, सॉरी, वो हम हाइड कर देते हैं, जो चीज़ें दिखाने वाली होती हैं सिर्फ वही दिखाते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर वो पूरी कैलकुलेशंस करते हैं कि भाई इनका पर मंथ का प्रॉफिट ये जो क्लेम कर रहे हैं क्या इतना ही है या इससे ज़्यादा है या कम है, फिर अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती हुई होती है तो वो कैलकुलेट करके हमें बताते हैं कि भाई आपका पर मंथ का प्रॉफिट $10,000 नहीं है, वो $12,000 है, या $10,000 नहीं है, वो $9,000 है, आपने $12,000 कैसे कैलकुलेट किया या $10,000 कैसे कैलकुलेट किया है, तो वो फिर हम उनको कैलकुलेशंस बताते हैं, अगर दोनों एग्री हो जाते हैं तो फिर 35 महीने 40 महीने का प्रॉफिट वो एकदम से हमें दे देते हैं। ये बहुत आगे की बातें हैं, राइट्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और ये सारी चीज़ें, अभी हम इसके ऊपर आ जाते हैं। ये मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया कि हाँ भाई इस तरह से भी हमारी एसेट जनरेशन होती है। अमेरिकन फ्लिपर एक वेबसाइट है जिसके ऊपर एसेट्स फ्लिप होते हैं, आप उसमें भी जाएंगे ना, सनी अली में भी, सनी अली डॉट कॉम में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी सनी भाई खुद एसेट जो है ना वो बाय कर रहे होते हैं, किसी ने अगर एसेट बनाया तो वो खुद बाय कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये आ गया आप आपके सामने, अपने लिए बाय करते हैं ना, दूसरों के लिए क्यों करेंगे वो? ये लें जी, ये बातें बहुत ज़्यादा बिखर गई थी, अब मैं इनको समेटने की कोशिश करता हूँ। ये लें जी, अच्छा जी, टोटल कीवर्ड्स मेरे पास कितने आ रहे हैं? अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताई थी कि भाई जो आपका यूके है उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है, आइटम टाइप कीवर्ड इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब आप यूएस में जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है,
वहाँ आपके लिए कैटेगरी इंपॉर्टेंट होती है, साथ साथ बोल भी दिया करो अल्लाह वाले हो। करापी आप जाग रहे हो? हेलो, ये हो गया। ट्वेंटी 3 कीवर्ड के ऊपर रैंक हैं। ये कर देते हैं। क्या गैप है इसमें पड़ा हुआ? ये लें जी, ये इस प्रोडक्ट का सिनेरियो है आपके सामने। यूके में ना, स्पेशली जब आप यूके में आते हैं तो यहाँ पर आपको आइटम टाइप कीवर्ड बहुत कम मिलते हैं। कीवर्ड्स की जो तादाद होती है वो आपको बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जब आप यूएस में जाते हैं तो वहाँ पर इतने कीवर्ड्स होते हैं, आप जितना मर्जी बड़ा खेलना चाहें वहाँ पर खेल सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत होता है उसके कंपटीशन के लिए, लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन होता है फिर उन कीवर्ड्स के ऊपर वो भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। ये हो गया। किसको? कोई बात नहीं, दे लें सर्च। कलर करना अच्छा लगता है, आगे मैंने बहुत सारे कलर्स करने हैं जो आप लोगों को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अच्छा जी, स्पेशल फीचर्स। अच्छा, स्पॉन्सर्ड अक्रेंसेस आएंगी, तो उसके बाद वेरिएशंस आएंगी, एलक्यूएस आएगा, सेल्स ओवर, रेवेन्यू, सर्च वॉल्यूम, नहीं कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, रेवेन्यू ओवर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, फिर आता है टॉप 10 कीवर्ड्स एट पोजीशंस। अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने इसीलिए बना रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें आप लोगों को बाद में तंग ना करें कि हाँ भाई ये चीज़ें कैसे निकालनी है, कैसे बनानी है, तो वो आप लोगों के लिए आसान हो जाए ना। ठीक
चीज़ें बनाना और उसको करना और उसको समझना। आप लोगों को बाद में पता लग रहा होगा, हाँ ये फार्मूला कैसे लगाते हैं, ये चीज़ कैसे करते हैं। मास्टर कीवर्ड्स ये आ गया आपके पास। यहाँ तक ना हम हंटिंग को डिफाइन कर लेते हैं, हमें इतना पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारी प्रोडक्ट कैसी है, गुड टू गो है या जो है हमें इस प्रोडक्ट को यहीं पे छोड़ देना चाहिए और आगे नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ तक के जो प्रोसेसेस हैं वो आपको इतना ही बताते हैं, यहाँ तक मिनी स्टॉक शीट उसको बोलते हैं, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया भी था। हाँ जो ये 12 शीट्स होती बनती हैं, ये 17 शीट्स बनती हैं। हाँ नहीं ना, उन शीट्स को पढ़ना भी तो है। इन दिस प्रोडक्ट वी हैव लेस देन 5 सेलर्स विद 70% रेशो। इट मीन्स वी हैव गैप इन दिस प्रोडक्ट, सो इट्स गुड टू गो। डिस्क स्कोर क्या है? इन दिस प्रोडक्ट टोटल कीवर्ड्स आर मोर देन 20। अब अच्छा ये भी बात आपने जहन में रखनी है कि जो यूएस के लिए है उसका जो कीवर्ड डेप्थ स्कोर है, जो उसका कीवर्ड डेप्थ स्कोर KDS जो मैंने आप लोगों को समझाया था वो मोर देन 30 होना चाहिए, लेकिन यूके में वो 2015 है, क्योंकि ऑब्वियसली कीवर्ड्स इतने बचते हैं पीछे आप लोगों के सामने। यही प्रोडक्ट अगर यूएस में जाके देखोगे तो यहाँ पर 189 कीवर्ड्स बचते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने यूएस में भी देखी हुई है, यूएस में भी अच्छी है और यूके में भी अच्छी है। अब हम क्या करेंगे, जब हम ये प्रोडक्ट करेंगे ना, इसको यूके में करेंगे और इसकी हिस्ट्री बिल्ड करेंगे यूके में, जब हमारी हिस्ट्री यूके में बन जाएगी तो उसको सेल ग्लोबली करके हम यूएस में ले आएंगे और उन दोनों की लिस्टिंग को मर्ज करके हम वो जो है अपनी लिस्टिंग जो है वो यूएस में भी शो कर रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पहले दिन से यूके की जो हिस्ट्री है वो यूएस में भी शो हो रही होगी, हमें दोबारा से अपनी हिस्ट्री यूएस में अलग से बिल्ड नहीं करनी पड़ेगी। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है यूएस में काम करने का, सॉरी यूके में काम करके, या यूएस में काम करके यूके में जाने का, या यूके में काम करके यूएस में जाने का। लेकिन इसकी फिर जो फ़ीस होती है ना वो भी आपके जहन में होनी चाहिए कि मुझे FBA फ़ीस कितनी लगेगी, मुझे उसके ऊपर वैट कितना लगेगा, वो सारी चीज़ें भी आपके माइंड में पहले दिन से होनी चाहिए। ठीक हो गया। देयरफोर इट हैज़ हाई कीवर्ड डेप्थ स्कोर एंड इट इज़ गुड टू गो प्रोडक्ट एज वेल ऑन दीज बेसिस। अब यहाँ पर ना मैंने एक गलती की है, मुझे बताएं वो मैंने गलती क्या की है, बताएं आप दोनों में से कोई भी। काफी आप समझ रहे हो, हाँ जी बताएं मैंने इस इसके अंदर क्या गलती की है, किधर है? हाँ जी बोले। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही आपकी,
डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। हाँ जी अक्सर आप ही बताओ, यहाँ पर मैंने क्या गलती की है? मैंने एक गलती की है, मुझे बताएं। अब आपने क्या करना है, ये जो मास्टर कीबोर्ड्स की फाइल आपने निकाली है, इसी को आपने कॉपी करके सीरियल नंबर के थ्रू ही विद सीरियल नंबर्स आपने इसको यहाँ से कॉपी करके दूसरी फाइल में ले जाना है और उसको तीसरी फाइल में ले जाना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ले आना। अब यहाँ पर हमारा असल काम शुरू होगा, जो कि हमने एनालाइज करना है उसको, और उसी हिसाब से हमने अगले फार्मूलाज और अगली सारी चीज़ें हमने देखनी है इसमें। ठीक है, इसमें भी मैं उसी तरह से इसका फार्मूला लगा लूँगा, इसको कीवर्ड्स को देख लूँगा। अब जब आप ये देखें ना, ये एक दफ़ा पुट करते हैं ना, तो ये चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। ये देखें, आपने फिर इसी के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये अक्सर मसला आता है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ये लें जी, ये हो गया आपकी डिटेल्स, आपने इसको यूँ कर दिया, ये हो गया आपका। ठीक हो गया, ये डिटेल्स आपके पास। अब यहाँ पर ना आपने एक चीज़ को नोट रखना है, और बिल्कुल आपने ध्यान के साथ चलना है आप यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सहूलत के लिए ना सेलर वन, यहाँ पर अक्सर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस सेलर की वर्किंग कर रहा हूँ, तो इसको ना सहूलत के लिए हम लिख लेते होते हैं सेलर वन, सेलर टू, सेलर थ्री, ये लिख लेते होते हैं। ये ले जी, ये 10 सेलर्स का डाटा मैं यहाँ से कॉपी करके इसमें भी पेस्ट कर दिया ऊपर, और मैंने यहाँ पर भी ऊपर पेस्ट कर दिया। ये लें जी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस हर एक डेटा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल सेलर्स शीट, क्या लिखा हुआ है, ऑल सेलर्स की शीट्स निकालनी है मुझे। अब मैं यहाँ से एक एक एसन पकड़ूंगा और उसकी हर एक की अलग अलग डिटेल्स निकालूंगा। अलग अलग डिटेल्स कौन कौन सी, किस किस तरह की अलग अलग डिटेल्स निकालनी है मुझे, हर एक का अलग अलग पोजीशन रैंक और सॉरी उसका स्पॉन्सर्ड रैंक देखना है, और उसका मुझे क्या देखना है, उसका मुझे पोजीशन स्पॉन्सर्ड रैंक देखना है, और उसका मुझे दूसरा क्या देखना है, ऑर्गेनिक रैंक देखना है। मैं इन दोनों को जो है वो ऑन कर लूँगा यहाँ से। यहाँ से मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया, और इसको ख़त्म किया, और मैंने यहाँ पर अपना वो वाला जो एसन में कॉपी करके लगाया था, लाया था, मैंने उसको पेस्ट कर दिया यहाँ। अब इस बात का ना आपने ध्यान रखना है कि भाई ये जो एसेंस आपने लिखे हैं और ये जो नीचे आपने डिटेल्स निकाली हैं, क्या ये सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, ये तो डिफरेंट दे रहा है। आप इसकी ना दोबारा ये कर लें, इसको डिवाइडेड बाय 25, 92% ये आ गया, 92%, सॉरी मल्टीप्लाई बाय दिस वन, और ये आपने अच्छा, बल्कि ये सारा डाटा ना हमने डिलीट भी कर देना होता है, ये वाला सारा डाटा हमने डिलीट भी कर देना होता है, और सॉरी ये आपने यहाँ से ये सारा आपने डाटा डिलीट कर दिया। और ये हो गया आपका, यहाँ से आपने इसका नो कलर कर देना, जो
अब हमने इसमें नए रंग भरने हैं ना, नए रंग भरने हैं। और इसी तरह आपने इसमें भी करना है, ये जो वैल्यूज़ आपने निकाली है ना ये भी आपने ख़त्म कर देनी है यहाँ से, और इसके भी कलर्स आपने ख़त्म कर देने हैं। ये अब हमने नया डाटा इसके अंदर पुट करना है, इसके ऑर्गेनिक रैंक को देखना है। ये भी मैंने आप लोगों को बात समझाई थी कि भाई ये हम वैल्यूज़ क्यों करेंगे, ये बल्कि नहीं बताई मैंने आप लोगों को, नहीं बताई वो मैंने किसी और को बताई थी। अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैंने बारी बारी इसका एसिन कॉपी करना है, और इस एसिन को कॉपी करके मैंने क्या करना है यहाँ पर लाना है, और इसकी डिटेल्स मैंने अलग अलग निकाल लेनी है। हर एक सेलर की मैंने अलग अलग डिटेल्स निकाल लेनी है। अब इसमें 5 मिनट लगेंगे इन सारे सेलर्स की डिटेल्स निकालने में। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग ये साथ साथ बना रहे हो, जब तक आप साथ साथ बनाओगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी इस चीज़ की, ठीक है। अब ये ना जितना भी आ रहा है ये देखें, मैंने ये कीवर्ड लिखा है तो सीरी ब्रो ने इसका रिवर्स एसन करके मुझे बता दिया कि भाई इसने अपने टाइटल, अपने बुलेट पॉइंट्स और अपनी डिस्क्रिप्शंस में जो टोटल कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं वो कितने हैं, 861 कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। उसका सर्च वॉल्यूम ये है, उसका CPR ये है, उसका स्पॉन्सर्ड रैंक ये है, और उसकी ये वैल्यूज़ ये है। ये मुझे आ गया उसकी समझ, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट एरो इस तरह से कॉपी करके मैं ऑल सेल्स की शीट में ला के इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं ऊपर लिख दूँगा कि भाई ये सेलर वन का डाटा मैंने निकाल लिया, फिर इसी तरह से मैं सेलर टू का डाटा निकालूँगा। ये आप लोग साथ साथ बनाएं इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये काउंटिंग लिख ली, ये काउंटिंग क्यों लिखी है इसका भी एक मकसद है, वो जाके आप लोगों को आगे खुद समझ आ जाएगा कि ये काउंटिंग मैंने क्यों लिखी है। यहाँ पर 50 तक कर लेते हैं अभी, ये ले जी 50 तक मैंने इसकी काउंटिंग कर ली है। सेल टू का डाटा मैंने यहाँ से निकाल लेना है, स्पॉन्सर्ड का मैंने दूसरे एसिन का डाटा उठाया, मैं यहाँ पर चला गया, मैं इसको सेरिब्रो में ले आया, सेरिब्रो में ले आया, मैंने यहाँ पर किया इसको पेस्ट, और यहाँ पर मैंने इसके कीवर्ड्स निकाल लिए। अब इस एसन ने कितने कीवर्ड्स को यूज़ करके अपने आप को स्पॉन्सर्ड रैंक किया हुआ है, इस एसन ने 735 कीवर्ड्स को यूज़ किया हुआ है, उसका हर एक का सर्च वॉल्यूम, हर एक का CPR और हर एक का स्पॉन्सर्ड और ऑर्गेनिक रैंक यहाँ पर शो कर रहा है। मैंने इस शीट को भी कॉपी किया, सॉरी एक्सपोर्ट किया, ये मेरे पास शीट आ गई, मैं इस शीट में चला गया, यहाँ से कॉपी किया, टोटल कितने कीवर्ड से यहाँ से भी देख लें, अगर आप गलत शीट कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ से पता चल जाएगा टोटल कीवर्ड्स यहाँ पर कितने थे, 735, और वहाँ पर हमने पहला सेल जो है ना वो छोड़ा हुआ था, इस वजह से यहाँ पर कीवर्ड्स की तादाद कितनी शो हो रही है, 736 शो हो रही है। ये आपने दूसरे सेलर्स की जगह पर ये वैल्यूज पुट कर देनी, मेक श्योर कि ये जो है ना आपका साथ साथ हो, वरना ये जो है ऊपर काउंटिंग जो है इसकी वजह से ये जो हमने फार्मूला आगे लगाना होता है वो गलत हो जाता होता है। तो मेक श्योर करें कि ये जो आपका 5 है ना उसके बाद छठा कॉलम के अंदर दूसरे सेलर की डिटेल्स, कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम, CPR, स्पॉन्सर्ड और ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। सेलर नंबर 3 यहाँ से उसका एसिन कॉपी करेंगे और उसको यहाँ से ले जाके यहाँ इस तरह से उसकी डिटेल्स निकाल लेंगे। अब ये कीवर्ड ये शीट्स में क्या क्यों निकाल रहा हूँ इनको पढ़ के भी मैं सुनाऊंगा आप लोगों को कि इन लोग इन शीट्स को पढ़ना कैसे है और इन शीट में से आपने डाटा कैसे फेच करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज़ खुदा रहा मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ इस मेहनत को ज़ाया ना कीजिएगा, ठीक है। ये है आप लोगों के सामने चौथे सेलर, थर्ड सेलर की शीट ये मैंने निकाल ली, सेलर नंबर 4 ठीक हो गया, ये मैंने चौथे सेलर की डिटेल्स निकाल ली। इसी तरह से आपने 10 के 10 सेलर की डिटेल्स निकाल ली।
ठीक है, इसने 794 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक किया हुआ है। एक बार ये शीट्स निकाल लें तो इसको पढ़ते भी हैं और बस के बाकी सारी डिटेल्स भी चेक करते हैं। सेलर फाइव ये ले दी, पांच में ये है। ऑल सेलर की डिटेल्स, पांचवा एसएन उसकी डिटेल्स आपने निकाली, समझ आ रही है ना? ठीक है, समझ आ रही है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? है सैलरी छः का डाटा, ये मैं आप लोगों के लिए सारे सैलरीज का डाटा निकाल रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, वरना चार पांच का निकालता और मैंने फॉर्मूला लगा के जान छुड़वा देनी थी। ये छोटे सैलरी की डिटेल्स आपने निकाली, ये उसका आ गया। यार ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग, ये क्या हो कह रहा है? ये मैं मीटिंग कर रहा हूँ इधर, तो आप लोग किसी और रूम में बैठ जाते ना? आप लोगों के लिए यही रूम है, मतलब इसमें आप लोगों ने रखा हुआ है, आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों ने अगर अपने मेहमान रखने तो उसको दूसरे रूम में ले जाएं, जो आप लोगों का है रूम। यार ये अभी क्या किया आप लोगों ने, ये मेरी मीटिंग जो है वो लड़कियों के साथ हो रही है। पहले कौन बैठा हुआ था भाईजान, पहले यहाँ पे कौन बैठा हुआ था? कैसी बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ ही बात करूंगा। मैं आप लोगों के हॉस्टल में आया हूँ तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप लोग दूसरे रूम में जाएं, दूसरों को क्यों तंग कर रहे हैं? वो वहां पर सोए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, आप लोग जाएं दूसरे रूम में, फिर वहां पर बैठे हैं। तो यार दूसरे रूम में जाएं आप लोग, आप जाएं, तो फिर मैंने रूम का रेंट नहीं दिया होता? अभी टाइम भी नहीं गया ना, 5 तारीख तक गई नहीं है आप लोगों की, आ जाएगी, तो ये बात पहले बतानी चाहिए आप लोगों को, समझ आई है ना? ये मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था मैंने आप लोगों को? ये मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था, जब आप पहले दिन आए थे ना, मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था कि ये रूम अगर मैंने लिया हुआ है तो मैंने इसका रेंट दिया हुआ है, मैंने इस जगह पे किया हुआ है, समझ आ रहे हैं ना? तो आप लोगों को ये चीज़, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ, आप इस हॉस्टल के अगर वार्डन हैं या आप लोग इसके ऑनर हैं, तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की आप इज्जत करें, आप दूसरों की प्राइवेसी की इज्जत करें, दूसरा आपकी प्राइवेसी की इज्जत करेगा। कमाल होगी यार आप लोगों की, हम आप लोगों को पे भी करते हैं और ऊपर से आप लोग हमें बातें सुनाते हैं। अजीब सिचुएशन है यार आप लोगों की।
अच्छा, तो ये आपने इस सेलर की डिटेल्स निकाल ली हैं। एक मिनट, मुझे एक बार रीचेक करने दें। F47, ये हो गया। रन रन न्यू सर्च के ऊपर क्लिक करें और इसको जाके करें। फोर 152। ये आ गई आपकी डिटेल्स, पांचवें सेलर की। ये कितना था? सातवां सेलर। उसकी डिटेल्स ये आपकी आठवें सेलर की डिटेल्स। सॉरी, सातवें ही है ये, सातवें सेलर की डिटेल्स है। सेलर नंबर 8, ये उसकी डिटेल्स हैं। ये आप लोग बना रहे हैं साथ 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 बना रहे हो ये चीज़? बनाएं इसको साथ साथ, तभी समझ आएगी। ये फॉर्मूलाज मैंने लगाने हैं, ये बाद में आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा ये फॉर्मूले कैसे लगने हैं। अच्छा जी, सेलर नंबर, उसको यहाँ से कैंसिल करने में, वरना ये बर्डन पड़ जाता है एक्सेल शीट के ऊपर, तो वो जो है ना वो इसको कैटर भी नहीं कर पाती सही तरह से ना। सेलर नंबर 9, ये उसकी डिटेल्स। अब दूसरी चीज़ ना, आपने यहाँ से भी मेक श्योर करनी होती है कि आप रेलिवेंट मार्केट के अंदर हैं, ठीक है ना। ये ना हो बाद में पता चले कि आप जो है ना वो डॉट डॉट कॉम का सारा डाटा, सारा सारे का सारा डाटा निकाला हुआ है। यहाँ पे मार्केट आप यूके की थी, यहाँ पे आप जो है ना वो यूएस का करके बैठे हैं या किसी और कंट्री का, यहाँ से मेक श्योर किया करें लाजमी। अब मुझे भी एकदम से खतरा हुआ है, मैं के बता दूँ यहाँ पे कि वाकई ये यूके की मार्केट है, ये यूएस की मार्केट है, हम लोग काम कर रहे हो। बाद में पता चले कि यूके थी, वो तो यूएस थी, ठीक है। ये चीज होगी आपकी, ये 9th शीट, 9वीं आ गई। यहाँ पे 10वीं शीट का ये डाटा आ गया, दिस इज द लास्ट वन। गेट कीवर्ड्स के ऊपर आपने किया, ये लें, ये 10वें सेलर की सारी डिटेल्स और उसकी सारी वैल्यूज आ गई। इसने 184 कीवर्ड्स को यूज़ किया हुआ है। अब मैं ना इस शीट को थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को कि ये शीट हमें बेसिकली बताती क्या है असल की। ये शीट हमें बेसिकली असल में हमारा कंसर्न क्या है शीट से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे अब देखें इस चीज़ को ना, आप लोगों को समझना लाजमी है। ये सेलर 1 की डिटेल्स हैं, ये सेलर 2 की, ये सेलर 3 की, इसी तरह ने आपने सारे सेलर्स की डिटेल्स में कर ली है।
अब ये जितने भी कीवर्ड्स पहले सेलर के अगेंस्ट हमने निकाले हैं ना, ये देखें, ये टोटल इसके कीवर्ड्स हैं 864 कीवर्ड्स। ठीक है, 864 कीवर्ड्स हैं जो ये सेलर अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर रहा है, और उसके बाद जो है ना उसकी डिटेल्स की बेसिस के ऊपर उसकी लिस्टिंग उन उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। मैंने इन्हीं बेसिस के ऊपर आपको इसकी रेलिवेंसी भी बताई थी कि इसकी रेलिवेंसी का क्या मतलब होता है, और उन्हीं बेसिस के ऊपर रेलिवेंसी का मतलब भी आप लोगों को समझाया था। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ ऑल कीवर्ड्स की फाइल में, तो उसके अगेंस्ट हर एक कीवर्ड्स ने कितने कीवर्ड्स यूज़ किए हुए थे जब हमने पहली डिटेल निकाली थी, वो देखते हैं कि टोटल कीवर्ड्स कितने थे। टोटल 226 कीवर्ड्स हैं जो इन सारे सेलर्स ने यूज़ करके अपने आप को किसी ना किसी जगह पर रैंक किया हुआ है। लेकिन जब मैं अलग अलग सेलर की अलग अलग डिटेल्स निकालता हूँ, तो हर एक सेलर ने इंक्लूडिंग बैकेंड टर्म्स, बैकेंड सर्च टर्म्स, और इंक्लूडिंग मेन कीवर्ड्स, और इंक्लूडिंग सुपर रेलिवेंट, रेलिवेंट और बाकी सारे कीवर्ड्स को यूज़ करके उसने ये सारे कीवर्ड्स को अपनी किसी न किसी जगह पर फिट किया हुआ है। अब ये जो हीलियम 10 का डाटा है, ये आपको सारे कीवर्ड्स बता देता है जिसमें उसने सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, जिसमें रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, जिसमें इररेलिवेंट, और जिसमें सर्च टर्म्स जितनी भी यूज़ की हुई हैं, वो सारा डाटा आपको निकाल के इस शीट में दे देता है। अब जब मैंने यहाँ पर फार्मूला लगा के इसका ऑर्गेनिक रैंक सेपरेटली निकालना है, ये भी इसका ऑर्गेनिक रैंक है, ये भी इसका ऑर्गेनिक रैंक है, लेकिन यहाँ पर जब मैं इसका ऑर्गेनिक रैंक निकालूंगा, तो वो मुझे फार्मूला, जब मैं जो यहाँ पर मुझे फार्मूला लगाना है उसके अगेंस्ट, वो इन 856 कीवर्ड्स में से इस रेलिवेंट कीवर्ड की जो ओरिजिनल पोजीशन है ना, वो मुझे बताएगा। समझ आई है इस बात की? लेट्स सपोज ये वाला कीवर्ड यहाँ पर ऑल सेलर शीट में इस वाले सेलर ने किसी दूसरे, तीसरी, चौथी, पांचवीं पोजीशन के ऊपर यूज़ किया हुआ है, तो इसका यहाँ पर रैंक सेकंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रैंक इसका जो आएगा वो शायद यहाँ पर जो रैंक आए वो इसका 5 आ जाए, इसका 2 आ जाए, इसका 1 आ जाए, या इसका 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, ये उसका ओरिजिनल रैंक होगा। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता होता हूँ समझाने के लिए, अक्सर जिससे बात समझ भी आ जाती है, वो ये जो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को पहले भी दी हुई है कि भाई इन कीवर्ड्स में से अगर मैं देखता हूँ, तो इसकी इनके अगेंस्ट इस पोजीशन रैंक वाले की पोजीशन 2 आ रही है, लेकिन जब मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो इसकी पोजीशन 7 आ रही है, 10 आ रही है, 12 आ रही है, 15 आ रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये होती है कि भाई लेट सपोज इसकी एग्जाम्पल जो मैं देता होता हूँ वो ये कि अगर बाबर आजम है, तो उसकी पाकिस्तान टीम के अंदर जो पोजीशन देखेंगे तो वो आपको ये नज़र आएगी कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर जो एज अ बैट्समैन काम करता है, तो वो उसकी पोजीशन सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन जब मैं हम पूरी दुनिया के जितने भी बेस्ट बैट्समैन हैं या बेस्ट क्रिकेटर्स हैं उसमें बाबर आजम की पोजीशन देखते हैं, तो वो 10वें नंबर पे आती है या 4थे नंबर पे आती है। दिस इज़ द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ बाबर आजम, मुझे इसको देखना है। तो ये जो डाटा निकला है ये पूरे सेलर्स की हर एक जितने भी कीवर्ड यूज़ कर रहा है उसमें से निकला है, लेकिन ये जो कीवर्ड निकला है ये पूरी 11 टीम में से निकला है, 11 बंदों में से बाबर आजम का पोजीशन दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन जब मैं पूरी दुनिया के बैट्समैन के जो बेस्ट बैट्समैन हैं उनमें से पोजीशन देखता हूं, तो बाबर आजम की कोई और पोजीशन आती है। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं, अब आप लोगों को सही समझ आएगी। अब यहां पर फार्मूला कौन सा लगाना है ये बात आप अपने पास लिख लें, या चाहे अपने लैपटॉप के ऊपर एक दो शीट्स के ऊपर परफॉर्म कर लें। वी लुकअप का फार्मूला हमने यहाँ पर लगाना है। मैंने वी लुकअप का फार्मूला लगाया, फिर मैंने इस कीवर्ड को डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्यों इस कीवर्ड को मैंने क्यों डिफाइन किया है? क्योंकि भाई मुझे इस कीवर्ड का ही तो असल रैंक चेक करना है, इस कीवर्ड का ही तो असल ऑर्गेनिक रैंक चेक करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्यों नहीं लगा रहा, इसके ऊपर क्यों नहीं लगा रहा, इसके ऊपर क्यों नहीं लगा रहा, भाई मैं इसके ऊपर लगाऊंगा फार्मूला और इसको नीचे यूं करके ना ड्रैग कर दूंगा, तो ये सारे कीवर्ड्स के ऊपर उनका ओरिजिनल ऑर्गेनिक रैंक इन 856 कीवर्ड्स में से बता देगा। समझ आ गई? मैंने इस कीवर्ड को डिफाइन कर दिया, फिर मुझे डाटा कहाँ से उठाना है? मुझे ऑल सेलर्स की शीट्स में से उठाना है इसका डाटा। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ से ऑल सेलर्स शीट का पहले सेलर का डाटा उठाना है, पहले सेलर का। जब मैं दूसरे का जाऊँगा तो फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का उठाऊँगा मैं, फिर इसको साथ में मिला के पहले वाले, दूसरे, तीसरे, इस तरह से मिला के करूँगा। अब अभी तक मुझे किसका रैंक उठाना है? मुझे पहले वाले सेलर का ऑर्गेनिक रैंक उठाना है। मैंने ये चीज़ सेलेक्ट कर ली। पहले सेलर का डाटा कहाँ तक आता है? 5 नंबर तक आता है। अब ये नंबर लिखने का भी आपके जहन में आ गया होगा कि मैंने ये नंबर्स क्यों लिखे थे। ये मैंने ये सारी रेंज सेलेक्ट करने के बाद ना यहाँ पर F4 प्रेस कर देना है। यहाँ पर मैंने F4 प्रेस क्यों किया है, यहाँ पर क्यों नहीं किया? मैंने यहाँ पर F4 इसलिए प्रेस किया है कि भाई इससे नीचे जो कीवर्ड आएगा ना, लेट सपोज इससे जो नीचे कीवर्ड आ रहा है
ये वाला मुझे इसका रैंक भी इसी डाटा में से निकालना है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर लाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ना, तो फिर वो मुझे डाटा जो निकाल के देगा वो मुझे इसी कीवर्ड में से ही निकाल के देगा, ना कि किसी और डाटा में से, इन्हीं कीवर्ड्स में से निकाल के देगा। तो मैंने ये फार्मूला इसलिए लगाया। यहाँ पर फिर कोमा लगा देंगे, ये नीचे डिफाइन कर रहा है, ये नीचे सारी की सारी चीज़ें डिफाइन भी कर रहा है साथ साथ। लुकअप वैल्यू पहले हमने डिफाइन की, वो कीवर्ड डिफाइन कर लिया, फिर मैंने टेबल अरे किया, वो यहाँ से लेके वो सारा डाटा मैंने नीचे तक ले गया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है कि भाई किस कॉलम में से मैं आपका डाटा उठाऊं, अब मुझे कौन सा डाटा उठाना है, ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का रैंक निकालना है, तो मैं यहाँ पर 5 लिख लूँगा, मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे आ गया, कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने दे दिया, अब मैं कोमा लगाऊंगा। अब रेंज पूछ रहा है भाई रेंज कौन सी निकालूँ, यहाँ पर वो रेंज बता रहा है भाई फॉल्स लिखूँ या ट्रू लिखूँ। फॉल्स का मतलब होता है कि ना एक टका उसकी वैल्यू ऊपर निकालेगा ना एक टका नीचे वैल्यू निकालेगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा, यानी कि इस पूरे 856 कीवर्ड्स में से जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है ना वो मुझे निकाल के बताएगा कि हाँ भाई इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है। मैंने 0 लिख दिया, एग्जैक्ट मैच, और अगर मैं ट्रू लिखता हूँ या 1 लिखता हूँ ना, 0 होता है फॉल्स और 1 होता है एक्सेल के अंदर अप्रॉक्सीमेट मैच। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो वो उसके ऊपर भी डाटा दे सकता है, उसके नीचे भी दे सकता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। वो इस कीवर्ड का रैंक भी बता सकता है, इस कीवर्ड का भी बता सकता है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसी कीवर्ड का रैंक। तो मैंने मुझे यहाँ पर 0 लिख दिया, 0 लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको जो बात मैं बता रहा था ना, बाबर आजम वाली एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को बताई है, यहाँ पर आप लोगों को सही समझ आएगी। यहाँ पर अब यहाँ पर देखें इस कीवर्ड की पोजीशन इस 856 कीवर्ड्स में से कौन से नंबर पे आ रही है, 13th पोजीशन पे आ रही है, 13वीं पोजीशन पे आ रही है। लेकिन जब मैंने मास्टर कीवर्ड्स की फाइल देखी तो वहाँ पर उसकी पोजीशन कौन से नंबर पे आ रही थी, कौन से नंबर पे आ रही थी, दूसरे नंबर पे आ रही थी। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अब आते हैं दूसरे अगले पोजीशन के ऊपर। अब आपने इसी तरह ये सारा फॉर्मूला इसी तरह लगा देना है, दी लुकअप आपने सेलेक्ट किया, ये वैल्यू सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर कोमा लगा दिया, फिर आप ऑल सेल्स की शीट में आ गए। अब आप दूसरे डाटा, दूसरे सेलर का डाटा निकाल लो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट नहीं करोगे इसको, यहाँ से सेलेक्ट नहीं करोगे, अब आपने पूरे शुरू से सेलेक्ट करना है। तीसरे का निकालोगे तो वो भी पूरे पहले से लेके चलोगे, चौथे का निकालोगे तो वो भी पहले सेलर से। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं यहीं इसी का सेलर का यहाँ से लेके इस यहाँ तक की वैल्यू को लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं 10 लेके देता हूँ, तो वो इसकी गलत वैल्यू फेच करेगा, ठीक है, इसकी गलत वैल्यू फेच करेगा। बल्कि मैं आप लोगों को ये लगा के भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये मैंने लगाया फॉर्मूला, ये नीचे तक आ गया, मैंने इसका F4 प्रेस कर दिया, या मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर ये देखें नज़र आ गया आप लोगों को, सिर्फ 5 तक वैल्यू दे रहा है, 5 तक वैल्यू दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर कॉलम में जाके देखूँ तो मुझे कौन सी वैल्यू नज़र आ रही है इसकी, मुझे 10 का रैंक नज़र आ रहा है। समझ आ गई इस बात की, मुझे 10 का रैंक नज़र आ रहा है। तो मैं इसीलिए क्या करता होता हूँ मैं उसकी शुरू से वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने शुरू से सेलेक्ट कर दी वैल्यूज, मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, फिर उसके बाद मैंने इसकी F4 प्रेस कर दिया, लॉक कर दिया इसको कि भाई मुझे जो अगली डाटा की वैल्यू निकालनी है वो मुझे इसी में से निकालनी है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर टोटल वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 10 तक आ रही हैं, समझ आ गई। यहाँ पर मैं 10 लिख दूंगा, फिर उसके बाद मैं 0 लिख दूंगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। नज़र आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर ये देखें जो बाबर आजम की इस कीवर्ड में पोजीशन आ रही है इस एसएन के अगेंस्ट, वो 13वीं पोजीशन आ रही है, लेकिन जब मैं इतने रेंज ऑफ डाटा के अंदर जाके उसकी वैल्यू देखता हूँ तो वो 24th पोजीशन के ऊपर आ रहा है। बाबर आजम का ओरिजिनल रैंक 24th है, ना कि वो 13 नंबर है। 13 जो उसका रैंक है वो पाकिस्तान की 11 जो टीम मेंबर्स है ना उसमें से उसका 13वां रैंक है या उसका पहला रैंक है, लेकिन जब मैं उसको जाके पूरी दुनिया के डाटा में से देखता हूँ तो उसका 24वीं पोजीशन आ रही है। ठीक हो गया, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। इसी तरह से आपने बाकी सारी के अंदर भी ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ये कर दिया आपने कोमा, ऑल सेलेक्ट शीट, अब यहाँ पर पहले से ही आप सेलेक्ट करेंगे और तीसरे तक लेके आएंगे इसको, ये कोमा 15 0 यहाँ पर कर दिया आपने, ये ले 38th पोजीशन के ऊपर आ रहा है, ये आ जाएंगे। फिर आप वी लुकअप वाला फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे,
ये आ गया, कॉमा आपने लगा दिया। ऑल सेल शीट, 5वें नंबर तक जाएंगे अब हम। 5वें का डाटा यहाँ तक आता है। चार नंबर है या 5 नंबर वाला है? 1 2 3 4, फोर्थ वाला है, सॉरी 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 सॉरी, फोर्थ वाली की हमने पोजीशन निकालनी है। ये ले तक आ गया, ये लगा दिया आपने। अब आप 20 लगाएंगे, 0 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये लें जी, इस तरह से। बात समझ आ गई है ना, जो मैं फॉर्मूला समझाना चाह रहा था, फॉर्मूला समझ आया? चलें, तो अभी आपको आया समझ? तो अभी आपको समझ आया फॉर्मूला? समझ नहीं आया? जीरो क्यों लिखेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, जीरो क्यों लिखेंगे? चलें इसको एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ। जीरो ना एक्सेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। एवरेज निकालने के लिए वो आपको डिफरेंट बताता है। जिस तरह से ना यहाँ पर हमने सब टोटल का फॉर्मूला लगाया था, मैं एक बार फिर आप लोगों को सब टोटल का फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। ये है ना, अब एक्सेल ना हर एक चीज़ को उसकी वैल्यू देता है, हर एक चीज़ को उसके अगेंस्ट नंबर देता है। अगर आपने एवरेज लिखना है, एवरेज का फॉर्मूला किसी डाटा के लिए निकालना है, मतलब आपको इस वैल्यूज का एवरेज निकालना है, तो आप 1 क्लिक करोगे। इस वैल्यूज़ का आपने काउंट निकालना है कि ये टोटल कितने काउंट्स हैं, इन सब का काउंट निकालना है। ये तो वैसे हमने लिखा हुआ है ना, लेकिन अगर आपने यहाँ पर काउंट निकालना है तो आप 2 लिखोगे, काउंटा निकालना है तो 3 लिखोगे, मैक्सिमम के लिए 4, मिनिमम के लिए 5। इसी तरह से ना, इसी तरह से इस एक्सेल के डाटा के अंदर ना आप लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की जिस तरह से आपको देते हैं, उसी तरह से एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच की भी एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है आपको। एक्सेल कहता है कि भाई जिस का आपने एग्जैक्ट मैच निकालना है ना, तो वो 0 लिखेंगे उसके अगेंस्ट आप, लेकिन जिसकी आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है उसके लिए आप 1 लिखेंगे। अब इन दोनों का मतलब क्या है? अब एक्सेल के मुताबिक अगर आपने ये रेंज ऑफ डाटा सेलेक्ट किया है ना, ये रेंज ऑफ डाटा सेलेक्ट किया है, और इसमें आप ये वाला 121 का जो 121 नंबर का जो है ना, 121 वैल्यू का आप एग्जैक्ट पोजीशन देखना चाहते हैं कि भाई इस 121 जो नंबर है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पूरे पूरे ये जो मैंने जितना डाटा सेलेक्ट किया इसमें से कौन सी पोजीशन है, तो वो आप उसके अगेंस्ट 0 लिखेंगे कि भाई मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए कि भाई ये 121 की एग्जैक्ट पोजीशन है क्या असल में, तो वो आपको निकाल के दिखाएगा। लेकिन अगर आप 1 लिख देते हैं ना, तो वो इसकी पोजीशन बता देगा, इसकी पोजीशन या इसकी पोजीशन बता देगा, तो वो बताएगा कि भाई इसके अगेंस्ट इसका जो अप्रोक्सीमेट मैच है ना वो ये निकलता है। अप्रोक्सीमेट ये है ना, अप्रोक्सीमेटली ये 49 के करीब है या ये 1 के करीब है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 121 की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो G42 वाला कॉलम है। इस तरह से आपको वो पता चल जाता है। ठीक हो गया, समझ आ गई? चलें, अब वी लुकअप वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा दें। इसी तरह से आपने ऑर्गेनिक रैंक निकालना है, और इसी तरह से ही आपने क्या निकालना है, स्पॉन्सर्ड रैंक निकालना है। अब ये छठे छठे की वैल्यूज़ निकालने हैं आप। छठे का कौन सा है? 25 और ये 0। 25 मैंने कैसे लिख दिया, यानी आप लोगों को पहले बता दिया है कि मुझे कौन सा चाहिए, ऑर्गेनिक रैंक चाहिए। मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ कि मैंने 25 जो लिखा है क्या वो वाकया ही ऑर्गेनिक वाली रैंक है। ये देखें, ऑर्गेनिक वाला कॉलम है, तो मैंने इसलिए 25 लिखा। अब जब मैं स्पॉन्सर्ड निकालूंगा ना, इसके अंदर जाके मैं जब स्पॉन्सर्ड का फॉर्मूला लिखाऊंगा, तो मैं 24 लिखूंगा, मैं 19 लिखूंगा, मैं जो है इससे पीछे 14 लिखूंगा, इस तरह से करके लिखूंगा। समझ आइए? ये लें जी, वी लुकअप, एक ही लिखेंगे आप, दो तीन नहीं लिख सकते। यहीं पे पूछ लें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। जितना भी आपको लगता है ना कि ये जितना भी घिरा हुआ क्वेश्चन है, या आपको लगता है कि भाई इससे इस क्वेश्चन को पूछने से मेरे जो है ना वो बेइज्जती होगी, आप उसको बेइज्जती कभी भी महसूस ना करें। सीरियसली वो क्वेश्चन आपके लिए पहाड़ है, आपके माइंड के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पहाड़ है, लेकिन जिस जो बंदे सुन रहे हैं ना
उनके लिए वो आसान हो सकता है। पूछें जो भी है आपके माइंड में, क्वेश्चन पूछना सीखें। हमारी इस कौम का ना मसला यही है, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते, ना पूछने के चक्कर में बहुत बड़ी वैल्यूज मिस कर देते हैं। बाद में इसके ऊपर गलत जो है ना वो इसका कॉन्सेप्ट बना लें कि भाई इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप पूछ रहे हैं जो आपको पढ़ा रहा है या आपको जो सिखा रहा है उसी से पूछ लें, वो आपको शायद बेहतर गाइड कर सकता है और उसके अगेंस्ट आपको जल्दी समझ भी आ जाएगी। जिस तरह से पीपीसी में मैंने आप लोगों को बताया था ना, पीपीसी में मैंने आप लोगों को बताया था, उसी तरह से याद रखें। नहीं, जिस तरह मैंने पीपीसी की थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं ना कि भाई किस कीवर्ड के ऊपर हमने पीपीसी चलानी है और उसको ऐसा ऐसा कैसे रैंक करना है। हमने पहले सबसे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिसके ऊपर हमें सबसे कम बिड पड़ रही होगी उसके ऊपर मैं पीपीसी चलाऊं, और फिर उसके बाद जो मेन कीवर्ड है उसके ऊपर शिफ्ट हूँ। ये वाली बातें कब पता चलेंगी? जब आप किसी से पूछेंगे, जब आप किसी को बताएंगे, किसी से डिस्कस करेंगे, या जो मेंटोर आपको पढ़ा रहा है सिखा रहा है उसके उसके साथ डिस्कस करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना इन सारी बातों का। ठीक है, अब आपने 35 नहीं लिखना, सॉरी 40 लिखना है। तो पूछें जहाँ से भी हो सकता है, जिस तरह की इवेल्यूएशन या जिस तरह के भी जो है आपके जहन में क्वेश्चंस आते हैं वो पूछा करें। बी लुकअप, ये फॉर्मूला आप 2-3 बार लगाएंगे ना तो आपके जहन में खुद ब खुद ये बैठ जाएगा। अब हमने 9th वाली पोजीशन में जाना है। हाँ ना, इसका अप्रॉक्सीमेट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1 लिख देंगे तो वो अप्रॉक्सीमेट निकाल देगा, लेकिन हमें डाटा निकालना है हर एक कीवर्ड के अगेंस्ट इस पूरी शीट में ओरिजिनल पोजीशन, उसकी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें देखनी है। ना हमें एक टका ऊपर देखनी है, ना एक टका नीचे देखनी है, हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के हम क्यों क्यों निकालेंगे हम? क्योंकि हमें तो ओरिजिनल डाटा चाहिए ना। ये हीलियम 10 जो है वैसे ही 19-20 बता रहा होता है, तो अगर हम उसके अंदर भी मज़ीद इवेल्यूशन करने की कोशिश करेंगे या मज़ीद अपना अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमारे रिजल्ट्स पहले से और बुरे हो जाएंगे। हम ये डाटा बना रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारा डाटा बना रहे हैं। तो अगर हम उसी के अंदर भी अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश कर देंगे तो वो डाटा बजाय हमें फ़ायदा देने के वो हमें हमारी इवेल्यूशन को नुकसान दे रहा होगा। समझ आ गई ये बात? अच्छा, अब यहाँ पर आपने दोबारा कलरिंग करनी है इसकी, जो पहले कलरिंग की उसको छोड़ दें। आप यहाँ से आप दोबारा इसको कलर करना शुरू कर दें। ये है इसकी ओरिजिनल पोजीशन, उसके बाद एक ये आया है आपके पास 70% से जो ऊपर है उसको आपने ये कलर देना है, जो 70% से लेके 40% के दरमियान है उसको आपने ये कलर देना है। ठीक है, लेकिन हमारी इवेल्यूशन जहाँ तक अब चल रही होती है ना, हम जो 50% या उससे कम वाले होते हैं ना उसको हम सारे को क्या कलर कर देते हैं, ये ग्रीन कलर ही कर देते हैं। 50% वालों के साथ भी मुकाबला करना अब आसान है हमारे लिए। तो ये लें जी, ये है गैप इस प्रोडक्ट में। नज़र आ रहा है गैप आप लोगों को? कितना गैप है इस प्रोडक्ट में? ये जो ग्रीन कलर है ना, ये सारे का सारा गैप बताता है प्रोडक्ट का। ये जो ग्रीन कलर है, ये कलर जितने ज़्यादा होंगे, एक लाइट चलते रहने दें यार, ये ऑरेंज कलर जितने ज़्यादा होंगे वो प्रोडक्ट उतनी ख़तरनाक होगी हमारे लिए। ये शायद मैंने इवेल्यूएशन जो है ना वो लिखी थी आपके उस शीट के अंदर, जो मैंने आप लोगों को शीट बना के बताई थी ना, जिसमें मैंने अपॉर्चुनिटी स्कोर और रेलिवेंसी स्कोर दोनों बताए थे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाली बात मैंने आप लोगों को बताई थी उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें जितने ज़्यादा 70% या उससे ज़्यादा वाले होंगे लोग, उसको हमने ये कलर देना है, और फिर जो 70% से 40% के दरमियान होंगे या 50% के दरमियान होंगे उसको मैंने कलर देना है येलो वाला, और उससे जितने कम होंगे उसको मैं ग्रीन वाला कलर दूंगा। ठीक हो गया, मैंने इस तरह से कलरिंग करनी है। और फिर अब यहाँ पर एक और बात समझ लें आप लोग, मैं आप लोगों को एक और बात भी बता देता हूँ यार, एक लाइट चलती रहने दें। एक मिनट मुझे दीजिएगा।
ये है डाटा आप लोगों के सामने, ठीक है। अब ना इस सारे डाटा को साथ साथ सेव भी किया रखे कराएं, साथ साथ सेव भी किया करें, लेकिन अगर खुदा ना खासा यहाँ पर हाथ लग जाता है और वो सेव नहीं होता तो वो सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। अच्छा, अब मैं अगली बात आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता था, वो ये कि सॉफ्ट कंपेटिटर्स कौन से होते हैं और हार्ड कंपेटिटर्स कौन से होते हैं। ये एक नई टर्म जो है ना वो मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। सॉफ्ट कंपेटिटर्स कौन से होते हैं उसको समझ लें पहले। सॉफ्ट कंपेटिटर्स ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सॉफ्ट कंपेटिटर्स और हार्ड कंपेटिटर्स। जी, हार्ड कंपेटिटर्स, या इसको ना सॉफ्ट कंपेटिटर्स को हम, मैं जो है वो उसको इनिशियल कंपेटिटर्स भी बोलता होता हूँ, कि मेरे इनिशियल कंपेटिटर्स कौन से हैं। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें। सॉफ्ट कंपेटिटर्स कौन से होते हैं? सॉफ्ट कंपेटिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज एनालिसिस। अब दूसरी बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि भाई अब मैंने ना जितना भी आगे डाटा एनालाइज करना है वो मैंने ये वाला डाटा एनालाइज नहीं करना, आगे से जो मेरे डाटा की बेस होगी ना वो ये वाला होगा, ये वाला सारा डाटा मैंने देखना है। ठीक हो गया, इसको मैंने देखा करना है। अब इस डाटा को समझते हैं और इसकी बेसिस के ऊपर मैं देखते हैं कि मेरा सॉफ्ट कंपेटिटर कौन है, मेरा हार्ड कंपेटिटर कौन है, किस कंपेटिटर को मैंने सबसे पहले टारगेट करना है और किस कंपेटिटर को मैंने दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे और नौवें दसवें पे टारगेट करना है। इस चीज़ को अब आप लोग देख लें। अच्छा जी, सॉफ्ट कंपेटिटर्स मेरे वो कंपेटिटर्स होते हैं, या इनिशियल कंपेटिटर्स मेरे वो कंपेटिटर्स होते हैं जो ग्रीन कलर्स में सबसे कम जो है वो होल्ड करके बैठे होते हैं कीवर्ड्स की, जो कीवर्ड्स का जूस जिन कंपेटिटर्स ने सबसे कम होल्ड करके बैठे होते हैं वो मेरा सॉफ्ट कंपेटिटर होता है। कौन सॉफ्ट कंपेटिटर होता है या इनिशियल कंपेटिटर होता है? इन कीवर्ड्स में जिसने सबसे कम कीवर्ड्स के ऊपर अपने आप को कैच करके बैठा होता है, अपने आप को रैंक करके बैठा होता है, वो मेरा सबसे पहला कंपेटिटर होता है। अब यहाँ पर दो बातें और समझ लें, दो बातें यहाँ पर एक एक और कंफ्यूज की जाती है, वो ये कि भाई अगर मैंने इसको ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स कंपेटिटर बना लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिज़ाइन में भी मेरा यही कंपेटिटर हो। इस बात को समझ लें आप लोग, यहीं पर क्लियर कर लें, बजाय इसके जाके आप आगे आगे जाके आपके जहन में ये कन्फ्यूजन बने, इसको यहीं पर क्लियर कर लें कि भाई जो मेरा सॉफ्ट कंपेटिटर है इसका मतलब ये नहीं है कि डिज़ाइन में भी मेरा मेरा वही कंपेटिटर है और कीवर्ड्स की डोमिनेंसी में भी मेरा वही कंपेटिटर है। इसका मतलब ये है कि भाई कीवर्ड्स के लिहाज से मैंने सबसे पहले इसको टारगेट करना है, फिर मैंने इसको टारगेट करना है, फिर 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 इसको और उसके बाद इसको, इसको और इस तरह। ये कंपेटिटर्स की मेरी लिस्ट होगी, मैंने इस तरह से कंपटीशन करना है। लेकिन जो डिज़ाइन की डिज़ाइन सिलेक्शन है ना वो मैं किसी और बेसिस के ऊपर कर रहा हूँ। डिज़ाइन सिलेक्शन की एक अलग शीट बनेगी मेरी पूरी, उसकी एक अलग दुनिया है डिज़ाइन सिलेक्शन की, कि अगर जो है अमेज़ॉन के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल हो रही है और ये रेवेन्यू बना रही है तो इसमें से कौन सा डिज़ाइन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, अगर वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर दूसरा सब कम सेल हो रहा है तो क्यों कम सेल हो रहा है। ये सारी बातों के जवाब आपने ढूंढने होते हैं। ठीक हो गया, तो तब जाके उसके बाद आप डिज़ाइन सिलेक्शन वाली शीट में जाते हैं, उस डिज़ाइन सिलेक्शन वाली शीट में फिर आप ये सारे एनालिसिस करते हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अगर ज़्यादा रेवेन्यू बना रही है तो क्यों बना रही है, अगर ये कम रेवेन्यू बना रही है तो क्यों बना रही है, क्या इसकी बेसिस, इसके पीछे इसका रिव्यू काउंट है, या इसके पीछे इसकी प्राइस है, या इसके पीछे इसकी जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है, प्रोडक्ट का मटेरियल ऐसा है, या ये कोई ब्रांड है, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो सेल उठा रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, जिसको मैंने केटर करना है बाद में, और उसके साथ मैंने उसी बेसिस के ऊपर अपना कंपटीशन बनाना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इस पूरी शीट के अंदर क्या हो रहा होता है, सिर्फ मेरी कंपेटिटर्स के एनालिसिस हो रहे होते हैं, कंपेटिटर की सिलेक्शन हो रही होती है और बाकी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक हो गया, दूसरा, अब ये बात समझ आ गई कि मेरा सॉफ्ट कंपेटिटर कौन होगा, और उस सॉफ्ट कंपेटिटर में भी मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें बता दी कि कीवर्ड्स की डोमिनेंसी की बेसिस के ऊपर आपने कंपेटिटर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। मेरा अभी मुझे पता चल गया कि कीवर्ड्स की डोमिनेंसी के हिसाब से जिसने सबसे कम कीवर्ड्स के ऊपर डोमिनेंस किया हुआ है और जिसने सबसे कम कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम का जूस लेके बैठा हुआ है वो मेरा पहला कंपेटिटर है। ये मेरा पहला कंपेटिटर है। यहाँ पर आप अगर एक और कॉलम बना लें
यहाँ पर एक और कॉलम भी बना लेना, यहाँ पर आप इसको लिख दें बकायदा कि भाई ये मेरा कंपेटिटर वन है, मेरा कंपेटिटर वन है। और फिर यहाँ पर जो आपने इवेल्यूएशन करनी है ना, यहाँ पर जो आपने इवेल्यूएशन करनी है वो इसी सिलेक्शन की बेसिस के ऊपर ही करनी है। इस बात की समझ आ गई? इसी सिलेक्शन की बेसिस के ऊपर ही आपने ये वाली वैल्यूज़ इन कंपेटिटर 1, 2, 3, 4, 10 के अंदर पुट करनी है। ठीक हो गया? यहाँ से अब आपने ना थोड़ी सी चीज़ें कीवर्ड्स की डोमिनेंसी, अब ये देखें, लेट्स सपोज 12 12 12 कीवर्ड्स के ऊपर ये करके बैठा हुआ है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इसमें से पहला कंपेटिटर तो मुझे पता चल गया कि ये है, दूसरा कंपेटिटर मुझे पता चल गया कि मेरा ये है, सॉरी दूसरा कंपेटिटर ये है। अब उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों ने 12 12 कीवर्ड्स के ऊपर डोमिनेंसी ली हुई है और 28,853 का सर्च वॉल्यूम और जूस लिया, जो जूस है वो कैच करके बैठे हुए हैं। अब मुझे यहाँ से कैसे पता चलेगा? अब हमने यहाँ से रेवेन्यू का, सेल्स का सहारा लेना है। जो इनमें से सबसे ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रहा होगा वो मेरा तीसरा कंपेटर होगा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर दसवां है। इस तरह से आपने करना है। अब मैं यहाँ पे उन दोनों के एनालिसिस बना लेता हूँ कि उसके बाद 12 ये हैं। कम कीवर्ड्स वालों को हम कंपेटिटर वन का रैंक क्यों दे रहे हैं अभी? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? ये कंपेटिटर वन है, ये कंपेटिटर टू है। अब कम कीवर्ड्स वालों को पहले मैंने सिलेक्शन क्यों दी है? बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके आगे ना, इसके पीछे पूरी इवेल्यूएशंस होती हैं। भाई कम कीवर्ड्स वालों को मैंने अपना पहला कंपेटिटर इसलिए बनाया है कि भाई उसके साथ मेरा कंपटीशन करना, उसके साथ मेरा फाइट करना, उसके साथ मेरा लड़ना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि मैं 12 वालों को पहले चूज़ कर लूँ। पहला मैं कंपेटिटर इसको बनाऊँगा, इसके साथ लड़ूंगा और इसका रेवेन्यू पकड़ लूँगा मैं। जब इसका रेवेन्यू पकड़ लूँगा ना मैं, फिर मेरे लिए इसके साथ कम्पीट करना आसान हो जाएगा। जब मैं इसका रेवेन्यू पकड़ लूँगा तो मेरे साथ इसके साथ कम्पीट करना आसान हो जाएगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। ये मेरी कंपेटिटर्स की वैल्यूएशन होगी। ये बात मैंने आगे बतानी थी थोड़ी देर बाद, मैं ये बात आपको दोबारा फिर बताऊंगा। अभी तो समझ आ गई है ना? अभी ये बात समझ आ गई? चलें, आ गई होगी इंशाल्लाह। नहीं आई तो फिर इसको दोबारा कैटर कर लेंगे हम लोग। अच्छा जी, कंपेटिटर वन ये है, कंपेटिटर टू ये है। ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स की जो कैचिंग बेस है उसकी बेसिस के ऊपर मैंने कंपेटिटर वन और टू कर लिया। अब मेरी जो छठी, सातवीं, आठवीं और पाँचवीं, चौथी वाली पोजीशन थी या तीसरी वाली पोजीशन थी, उसके ऊपर मेरे चार कंपेटिटर, ये छह कंपेटिटर बैठे हुए थे जिन्होंने सेम कीवर्ड्स को रैंक किया हुआ है, सेम जो है कैप्चर सर्च वाली में, और सेम बाकी वैल्यूएशंस हैं उसकी। अब मुझे कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ से देखूँगा। अब जो जो मेरा यहाँ पर आ रहा है ना, जिसकी सेल्स ज़्यादा हैं, ये है 1500, ये 1200, ये 1655, 802, 482। अब ये उससे क्या है, इसकी ज़्यादा सेल्स हैं। कंपेटिटर टू इसकी क्या है, सेल्स कम है, तो तीसरा कंपेटिटर मेरा ये हो जाएगा। फिर इससे ज़्यादा सेल्स जिसकी है वो मेरा चौथा कंपेटिटर हो जाएगा। मैं देखता हूँ मेरा कौन सा है अभी, 655, ये मेरा चौथा कंपेटिटर है। ठीक हो गया? फिर इससे ज़्यादा सेल्स किसकी है मैं उसको बनाऊँगा। ये है मेरा कंपेटिटर पाँच, ये है मेरा कंपेटिटर, नहीं, ठीक है, ये है मेरा कंपेटिटर सिक्स, ये मेरा कंपेटिटर सेवन। ठीक हो गया? और उसके बाद अब इस पे भी दो पोजीशंस आ रही हैं, इस पे भी दो पोजीशंस आ रही हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो इसमें से जो दोनों में से कम सेल्स जो हैं वो इसकी हैं। मेरा आठवां कंपेटिटर जो होगा वो ये होगा, नौवां कंपेटिटर मेरा ये होगा और दसवां कंपेटिटर मेरा ये होगा। अब ये कंपेटिटर्स की सिलेक्शन मैंने इस तरह क्यों की है, मैं ये भी आप लोगों को राज खोल देता हूँ। अच्छा,
ये जो मैंने अभी बात बताई है ना, मैंने उसी को दोबारा रिपीट करना है कि भाई मैंने इसको कंपेटिटर वन बेसिस बनाया है कि इसकी सबसे कम कीवर्ड्स की रेलिवेंसी है, इसने सबसे कम कीवर्ड्स को कैच किया हुआ है, सबसे कम जो है ना सर्च वॉल्यूम का जूस इसके पास है, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है रादर देन जो दूसरे हैं मैंने उनको सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक हो गया, अब आता हूँ मैं कंपेटिटर 2, 3 और 4 जो मैंने अगली सिलेक्शन किया वो किस बेसिस के ऊपर किया। फिर उसके बाद लेट सपोज मैंने इसको कंपेटिटर वन बनाया था, इसका 6,000 का जो है वो रेवेन्यू है, 6,000 का रेवेन्यू है। अब जब मैंने 6,000 का रेवेन्यू इसके साथ कंपीट करके इसकी सबसे कम कीवर्ड्स की रेलिवेंसी है, अंदाज़ा करें आप, सबसे कम कीवर्ड्स की रेलिवेंसी है, सबसे कम इसने जो है ना सर्च वॉल्यूम का जूस कैप्चर किया हुआ है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहा है, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहा है। तो जब मैं इसका रेवेन्यू कैच कर लूँगा, इसको अपना कंपेटिटर बना के मैं इसका जब जूस कवर कर लूँगा, 6,999 पाउंड का जब मेरे पास बिजनेस आ जाएगा, तो मैं इसके साथ भी कम्पीट कर जाऊँगा, इसके साथ भी कम्पीट कर जाऊँगा, इसके साथ भी कम्पीट कर जाऊँगा। यानी कि मैंने कंपेटिटर वन के साथ अगर कम्पीट कर लिया ना, तो मैं 8वें कंपेटिटर को भी कैच करने के काबिल हो जाऊँगा। तो मुझे फिर जब मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा ना, इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन को कवर कर लूंगा, 6,399 पाउंड का मैंने बिजनेस कवर कर लिया, तो मेरे लिए इन सब को टारगेट करना आसान हो जाएगा, इन सब को टारगेट करना आसान हो जाएगा। तो फिर मेरी पोजीशन 6ठी 7वीं नहीं होगी, मेरी पोजीशन 8वीं बन जाएगी। अब मैंने 8वीं पोजीशन के ऊपर बैठ के कीवर्ड्स की डोमिनेंसी के हिसाब से मैंने अपने 9वें कंपेटिटर को टारगेट करना है, जिसका 16,000 पाउंड का है रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि भाई मेरी कीवर्ड्स के ऊपर रेलिवेंसी बन गई है, मैंने कंपेटिटर वन की बेसिस के ऊपर कंपेटिटर 8 को टारगेट कर लिया है। अंदाज़ा करें आप इस बात का, एक 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 सेकंड के लिए इमेजिन करें, मैंने कंपेटिटर वन का रेवेन्यू कैच कर लिया है, तो उस हिसाब से जो मेरा 8वां कंपेटिटर था उसका 4,000 पाउंड का बिजनेस था, तो मैंने उसको भी कवर कर लिया, इसका 4,000 पाउंड का, मैंने उसको भी, इसका 3,000 पाउंड का, इसका चाहे रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, इनका चाहे रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जब मैंने इसको कवर कर लिया ना, इसके रेवेन्यू को कवर कर लिया, तो मैंने 14 कीवर्ड्स के ऊपर अपनी रेलिवेंसी बना ली है। तो ये तो वैसे ही 12-12 के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मुझे फिर जब मैं इसको कंपेटर कर लूँगा ना, इसको केटर कर लूँगा, तो मुझे इनके अगेंस्ट मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ब खुद अमेज़ॉन का क्रॉलर जो है ना, मैं जिन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर चुका हूँगा, वो वाले कीवर्ड्स मुझे खुद ब खुद मेरे दूसरे कीवर्ड्स जो मैंने अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ किए होंगे, उनकी रैंकिंग को बेहतर करने की खुद ब खुद कोशिश कर रहे होंगे। अमेज़ॉन का एल्गोरिथम इस लिहाज से बहुत बेहतरीन है कि अगर एक कीवर्ड का रैंक जो आपने सर्च वॉल अपनी सॉरी लिस्टिंग के अंदर यूज़ किया हुआ है, अपनी लिस्टिंग के अंदर अगर आपने उन कीवर्ड्स को यूज़ किया हुआ है, ये सारे कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग में होने चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये सारे कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग में होने चाहिए। अगर ये रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं तो ये सारे के सारे आपकी लिस्टिंग में होने चाहिए। ठीक है, अब आपने ये मास्टर कीवर्ड्स की फ़ाइल निकाल ली है। अब आपने इसको ये नहीं समझना कि यही भाई साहब सारे के सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, इसको भी आपने एक एक बार जाके ना अमेज़ॉन के ऊपर चेक कर लेना है कि ये वाकई रेलिवेंट क्या हैं या नहीं। अब रेलिवेंसी के बेसिस क्या हैं, इस कीवर्ड को काबू करें, इस कीवर्ड को पकड़ें, अमेज़ॉन के ऊपर ले जाएं, पकड़ के इसको जब चेक करेंगे आप, वहाँ पर चेक करेंगे, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपने देखना है कि कम से कम 48 सेलर्स में से कम से कम 5 से 6 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो, तो वो आपका रेलिवेंट कीवर्ड बन जाएगा, वो आपका रेलिवेंट कीवर्ड होगा, वो आपका सुपर रेलिवेंट कीवर्ड नहीं होगा। सुपर रेलिवेंट कीवर्ड वही होगा जिसका रेलिवेंसी स्कोर 9, 8, 7 होगा। ये तीन का रेलिवेंसी स्कोर जिनका होगा वो आपके सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे। ये बात मैं आप लोगों को दरमियान में बता रहा हूँ, ये बात याद रखनी है। वो वाले कीवर्ड्स जिनका रेलिवेंसी स्कोर 10, 9, 8 और 7 तक होगा वो आपके सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे। कौन से होंगे? सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे। फिर उसके बाद 6ठा 5वां 4था, ये जो जिनके होंगे 6ठा 5वां और 4था जिनका रेलिवेंसी स्कोर होगा वो आपके जो हैं वो कौन से होंगे? 6ठा 5वां और 4था ये वाले कीवर्ड्स आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे। रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे कौन से होंगे? रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे। फिर इससे नीचे वाले जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो या तो गैप कीवर्ड्स निकल रहे होंगे या इररेलीवेंट कीवर्ड्स निकल रहे होंगे। ठीक हो गया, इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना है आपने।
अब ऊपर में से भी आपको गैप कीवर्ड्स मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 6, 4, 5 कर लिया तो उसमें आपको सिर्फ रेलिवेंट कीवर्ड्स का नाम ही देना है उनको। उनमें से भी अगर आपको कोई मिलता है तो वो भी आपका गैप कीवर्ड्स या पोटेंशियल या गोल्डन कीवर्ड बन सकता है। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अब ये चीज़ भी समझ आ गई कि मैंने 7 वाले को कवर कर लिया तो मुझे इनके साथ कंपीट करने की ज़रूरत नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स डोमिनेंसी। अगर मैं इसको कैच कर जाता हूँ और इसके रेवेन्यू को हिसाब से मैं अगर देखता हूँ, इसके रेवेन्यू के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मैं इसको भी कम्पीट कर गया, मैं इसको भी, इन सब को भी कम्पीट कर गया और मैं इन सब को भी कम्पीट कर गया। तो अब मुझे डायरेक्टली इसको कम्पीट करना है, इसके ऊपर मुझे 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, मैं इसको मार दे दूंगा। इसको देने के बाद फिर मैं डायरेक्ट आऊँगा 9th वाले के ऊपर, मेरा कंपेटिटर फिर ये बनेगा ना कि ये वाले सेलर्स बनेंगे। समझ आ गई, फिर मैं इसके साथ कम्पीट करूँगा, इसके साथ कम्पीट करूँगा और आसानी के साथ मैं फर्स्ट पोजीशन पे आके बैठ जाऊँगा। ठीक हो गया, इस तरह से आपने इसको लेके चलना है। अब आते हैं अगली अगली बातों के ऊपर। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। हार्ड कंपेटिटर्स, हाँ ठीक है, सॉफ्ट कंपेटिटर्स, इनिशियल कंपेटिटर्स भी मैंने बता दिया। इनिशियल कंपेटिटर्स के अंदर फिर जो चीज़ें थी कीवर्ड्स की डोमिनेंसी के लिहाज से, कि कीवर्ड्स की डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है, वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब यहाँ पर एक और बात समझ लें, वो ये कि जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है कि भाई जिस कीवर्ड के ऊपर आप पीपीसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप पीपीसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस कीवर्ड के अगेंस्ट अपने आप को रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग के अंदर होंगे तब ही आप उस कीवर्ड के अगेंस्ट इंडेक्स करेंगे और उसके अगेंस्ट आपको कन्वर्जन आएगी। अदरवाइज भूल जाएं, जो कीवर्ड जिसके ऊपर आप पीपीसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर वो कीवर्ड आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर ही नहीं डाले तो अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है या जो अमेज़ॉन का क्रॉलर है वो कैसे उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपकी लिस्टिंग को सर्च क्यूरी के अगेंस्ट दिखाएगा? नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपने वो लिस्टिंग के अंदर लिखे ही नहीं है। चाहे आप जितनी मर्ज़ी बड़ी जितने मर्ज़ी हाई बिड के ऊपर आप पीपीसी चला लें, आपको कोई कन्वर्जन नहीं आने वाली उसके ऊपर। कन्वर्जन आएगी लेकिन बहुत थोड़ी आएगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। वो कन्वर्जन आपको आ रही होगी 10 क्लिक्स के बाद, 12 क्लिक्स के बाद, और आपकी एक क्लिक की जो कॉस्ट पड़ रही है, एक क्लिक की जो बिड पड़ रही है, बस हो गई है, एक क्लिक की जो बिड पड़ रही है आपको, एक क्लिक की जो आपको बिड पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है? वो आपको पड़ी $1.5 की रही है। अब बताएं, $10 आपने लगा दिए, $10 का मतलब, सॉरी 10 क्लिक्स का मतलब, एक 10 क्लिक को मल्टीप्लाई कर लें 1.5 से तो आपका कितना बनेगा, 150 बनेगा मेरे ख्याल में, कितना बनेगा, 10 को मल्टीप्लाई कर लें 1.5 से, $15 के बाद आपको एक 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 सेल आई है, $15 के बाद आपको एक सेल आई है और उसके अगेंस्ट आपको मार्जिन ही नहीं बचे। तो अब बताएं कहाँ जाएं, वो सारी की सारी आपकी कॉस्ट जो है ना वो 200% पे पहुंच जाएगी। तो जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन स्पेंड, वो 200% पे होती है, समझ लें कि वो जो लॉन्च जो है ना वो फेल हो गए, वो पहले दिन से आपकी लॉन्च फेल हो गए। तो जब कॉस्ट 200% पे चली जाती है तो वो लॉन्च फेल क्यों होती है? क्योंकि भाई उसके बाद आपको आपका उन एक उस एकॉस को 40%, 45% या 30% के ऊपर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, भाई नहीं ला सकते। अब जो एकॉस हमारी इतनी चली गई है उसको दोबारा केटर कैसे करेंगे? अब आपको पूरी लिस्टिंग डिलीट करनी पड़ेगी, पूरी लिस्टिंग के अंदर जो कीवर्ड्स है उसको सबको रिवाइज़ करना पड़ेगा। जब आप रिवाइज़ करेंगे फिर अमेज़ॉन आपकी रेलिवेंसी को दोबारा बनाने के लिए अपने उसके अगेंस्ट दोबारा 45 डेज लेगा, हनीमून पीरियड लेगा उसका। जो दोबारा आपको हनीमून पीरियड मिलेगा ना अमेज़ॉन के ऊपर, उसके अगेंस्ट आपको दोबारा 45 डेज लगेगा रैंक होने के लिए। अब उस 45 डेज के अंदर आप फिर दोबारा ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, आप दोबारा ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पीपीसी के ऊपर भी दोबारा पैसा लगाएंगे और सारी चीज़ें दोबारा करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट जो है ना दोबारा बढ़ जाएगी, उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया, तो इस तरह की चीज़ें ने आपने, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक हो गया, तो वो कीवर्ड जिसके ऊपर आप पीपीसी चलाने की कोशिश कर रही हैं उसको किसी ना किसी तरह आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर फिट इन लाजमी करना है, फिट करें, उसके बाद उसके अगेंस्ट पीपीसी चला दें और उसका उसका कमाल देखें फिर वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट करती है। ठीक हो गया, सॉफ्ट कंपेटिटर्स हो गया और उसकी जितनी बातें थी वो भी हो गई सारी।
हार्ड कंपेटिटर्स के ऊपर आते हैं कि हार्ड कंपेटिटर्स कौन से होते हैं। हार्ड कंपेटिटर्स मेरे वो कंपेटिटर्स होते हैं जब मैं पहले दिन बैठ के ये सोच रहा होता हूँ कि मैं कंपेटिटर नंबर 8 को टारगेट कर लेता हूँ, मैं 9 को टारगेट कर लेता हूँ, मैं 10वें को टारगेट कर लेता हूँ, इसके डिज़ाइन को टारगेट कर लेता हूँ, और इसकी इसके जो जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक करके बैठा होता है मैं उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने की कोशिश करता हूँ, तो वो हमारे लिए हार्ड कंपेटिटर होता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर सेलिंग। पहले दिन के ऊपर बैठ के मैं अगर उसको रैंक करने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरे लिए हार्ड कंपेटिटर होता है मेरा, ना कि वो मेरा सॉफ्ट कंपेटिटर होता है। ठीक हो गया, तो आज यहाँ तक ही करते हैं, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल करेंगे।